الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بالكل تمہاری شکل ज्यादा बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, ले जा अपनी बेटी। हाँ, इस दिन के लिए तूने चौखट पकड़ी थी मेरी। हाँ, कितना समझाती थी तुझे, अब क्यों रो रही है? अब खुश है? हाँ, लग गया माथे पे तलाक का दाग। चल जा, अब जा सामान लेके अपना, या और जूते खाने इन मनहूसों से। ओ जरा ध्यान इधर कर मेरी तरफ, हक महर के पैसे ला के रख मेरे हाथ पे। आय हाय, कैसे महर के पैसे, कौन से पैसे? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। 1 लाख तो तेरे अच्छे भी देंगे, वरना शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। ओ बस कर दे, ये धमकी किसी और को देना। ना मेरा बच्चा, धमकी नहीं है ये। 2 साल के कैद तो तुझे यूं होगी मेरी बच्ची पे हाथ उठाने के जुर्म में। और ये औरत के जो आंसू होते हैं ना, उनमें बड़ी ताकत होती है। ठहर जा, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस स्टेशन। अरे रुक रुक, अरे मैं शरीफन बोल रही हूँ। अरे रुक शरीफन। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? अरे इन डायरों का किस्सा मुझे खुद पाक करने दे। तू रुक यहाँ, मैं अभी पैसे लेके आती हूँ। एक भी नोट पुराना या फटा हुआ हो ना तो हशर कर दूंगी तेरा। ओ क्या देख रहा है, ना महरम है ये। दूर कर नजरें अपनी अब। अरे ले भी आओ, कहाँ मर गई? ये पकड़ पैसे और जान छोड़ हमारी। ये हुई ना बात। अरे तुम जैसे कंगलों की जान पकड़ने का शौक किसे है? चल जहान, अब इस जहान में तेरी माँ के सिवा तेरा और कोई नहीं। चल आजा बेटा, आजा, मुड़ के ना देखना पीछे। लेकिन अम्मा अब हम करेंगे क्या? पूरे हैदराबाद में हम माँ बेटी तो बदनाम हो गए हैं। 2 मंगनियाँ पहले ही टूट चुकी हैं, अब ये निकाह भी खत्म हो गया, घर भी किराए का है। हक महर के पैसे हैं ना तेरे, ऐश करेंगे दोनों माँ बेटी, तब तक कोई अच्छा सा मुर्गा भी फंसा लेंगे। वालेकुम सलाम। भाभी कहाँ है? वो तो कमरे में है, मैं उनके पास। हाँ ठीक है। बहुत मुबारक हो। खाला कैसी हैं आप? अरे तुम्हें बड़े दिनों के बाद अपनी खाला याद आई है? हैं? खाला ख्याल तो आपका दिन रात आता है मुझे। एक नंबर का झूठा और मकार है। ठीक कहा ना अंकल ने, आ जा मेरा बेटा। देख रही है खाला इसे कैसे बिगाड़ रही है मेरे बेटे को। तेरा बेटा कहाँ से आ गया? भाभी का बेटा है, तुझ पे जाता तो बशकला होता। आप मेरी भतीजी मुझे दिखाएं। और मैं किस पे गई हूँ? अरे मेरी जान इधर आ मेरे पास, तुम मुझ पे गई है और किस पे जाएगी? बिल्कुल बाप जैसी है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत हूं जिसे सलमान जैसा पार्टनर मिला। जब नर्स ने आकर बताया था ना कि दूसरी भी बेटी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए मैं डर गई थी कि पता नहीं सलमान का क्या रिएक्शन होगा। भाभी कैसी बातें करती हैं आप, इतने साल हो गए आपको सलमान भाई के साथ, अभी भी ऐसा खौफ? जिसने जिंदगी खौफ में गुजारी हो ना,
वो हर वक्त सहमा रहता है। मैंने अपनी माँ को बेटियां पैदा करने के जुर्म में असियत में जिंदगी गुजारते देखा है। लेकिन सारे मर्द तो एक से नहीं होते ना। अब ये फिक्र छोड़ें और खुशियों को दिल से मनाएं, ठीक है? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे और हम यहाँ बातें कर रहे हैं। अरे आप गजरे तो पहन लें। गजरे गजरे अभी नहीं। क्यों? बाद में सलमान पहनाएंगे। ओहो चलो क्या हो गया? रो क्यों रही हो? अरे अब्बा हम बदनसीबों की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। अरे रोए नहीं तो और क्या करें अब्बा? आखिर बताओ तो सही हुआ क्या है? अरे पहले मुझे बेवकी खा गई, अब मेरी बच्ची। अरे ना ये कैसे हुआ? अरे कब हुआ, कल कैसे होगी बेवा? इससे तो अच्छा था बेवा ही हो जाती, कम से कम माथे पे तलाक का कलंक तो ना लगता। अरे क्या कह रही हो शरीफन, अरे अभी तो उसकी दूसरी शादी हुई थी, उससे भी तलाक हो गई। हाय अब्बा बस हसदों की हसद निकल गई, बुरी नजर खा गई। अरे रो रो के बुरा हाल कर लिया मेरी बच्ची ने अपना। अरे मेरी बच्ची तो काबू में नहीं आ रही, अरे मरने मारने की बातें कर रही है। उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो उसके सिवा कोई है भी नहीं। ये तो अल्लाह की करनी है ना, और उसे भी समझा, तलाक हुई जिंदगी खत्म नहीं हो गई। अरे आपा तू ये बात कर ले, मेरे तो काबू में नहीं आ रही, समझा समझा, तेरी भी तो बेटी है ना आपा, समझा। बानो खाला। अरे ना मेरी बच्ची दुखी नहीं होते, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो लगता है खाला हमसे तो हमारा खुदा भी नाराज है। ऐसा नहीं कहते बेटा, अल्लाह ने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया होगा। अब खुद को संभालो और अपनी माँ को भी संभाल, हालत देख उसकी। बस खाला अम्मा की ही वजह से तो जिंदा हूँ, वरना कब की मर चुकी होती। कमबख्त इसमें शरबत तूने नहीं डाला क्या? क्या हुआ है अम्मी? बेटा फोन कट गया है। बेचारी। आगे 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 बस रोक दो। आई कमर तख्ता हो गई भाई। ले बेटा रख ले। चल बेटा बैग उठा। तेरा खाला है क्या दिया? 500 रुपए से मैं 1 रुपए कम नहीं लेगा। 500 रुपए? अरे कमबख्तों क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने? कराची ना हो गया, गधों का शहर हो गया। इतने पैसों में हम हैदराबाद से कराची पहुंच गए। रखने हैं तो रख, समझा, वरना शरीफन नाम है मेरा, तू जानता नहीं है मुझे। खाला तुमको पूरे कराची घुमाया हमने, खुद ही इंसाफ करो, हम कोई खैरात नहीं मांगते तुमसे। अरे तो जैसों को खैरात देता कौन है? अरे अम्मा रुको है बा। ए हीरो रख लेना यार, इतने प्यार से तो दे रही हूँ। यारा तुम बोल दे खुजे, रख लेगा। देखा अम्मा, जहाँ प्यार से बात बन जाए ना वहाँ मार से बचना चाहिए। ये मुंह बंद कर, दांत दिखा रहे। चल बैग उठा। चल चल। अरे यही है भाई। क्या हुआ मेरी बच्ची? अरे आंखें नहीं है भैया, क्या हो गया? छोड़ छोड़ दी। अरे आराम से भाई, एक मिनट में देख तो लूं, चेक तो करने दे मुझे। आ, 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 आ,
मर गई, मेरी हड्डी टूट गई, अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। आई हौसला रख मेरी बच्ची, हौसला रख, अल्लाह यतीमों के साथ। आई डॉक्टर साहिबा, हड्डी तो बच गई ना? फिक्र की कोई बात नहीं है, हल्की सी मोच है, रेस्ट करें, बेहतर हो जाएंगी। अरे तुम कहीं जाली डॉक्टर तो नहीं हो? जी इधर दर्द से मेरी जान निकली जा रही है, गौर से देखो अम्मा, एक दो हड्डी तो टूट ही गई होंगी मेरी। जी बेटा वो डॉक्टर है, ज्यादा बेहतर जानती है। आज जिसे दर्द मिलता है ना आपा, उसकी शिद्दत का भी उसी को पता होता है। घर देने वालों को उस बात का कहां अंदाजा। I'm sorry, खाला ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटा शर्मिंदगी से दर्द तो कम नहीं होगा ना। तौबा है भाई तौबा, लोगों की अकड़ खत्म होने का नाम नहीं लेती। किसको कोस रही हो अम्मा? अरे तेरी सौतेली खाला को और किसको, कमी कमीन समझ रही हमें। तो यहाँ आने का शौक भी तुम्हें ही था? क्यों ना हो, मेरे बाप का घर है, धोखे से मेरी शादी हैदराबाद की किसी खोली में करा दी और खुद यहाँ पड़ी ऐश कर रही है। वाह, बस कर दे अम्मा, जब 2 साल की थी ना तब से तेरे और अब्बा के भागने की किस्से सुनती आ रही हूँ मैं। अहमी खाला को टोक रही है। ज्यादा बकवास मत करियो, समझी? अर्शी ठटोल के लिए नहीं लाई तुझे यहाँ, कदम जमाने हैं कदम, इतना सोच ले, आखिरी स्टेशन है ये। उसकी तो तू फिक्र ही नहीं कर अम्मा, मेरा काटा तो पानी भी नहीं मांगता। सदके जाऊं, कसम अल्लाह पाक की, फखर है शरीफन को अपनी तरबियत पे। बीबी जी आप कहें तो खाना यहीं ले आऊं। तमीज नहीं है तुम्हें, दरवाजा खटखटाकर अंदर नहीं आ सकती थी। माफ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा। ख्याल नहीं रहा, या जासूसी कर रही थी, बातें सुन रही थी ना हमारी? नहीं बीबी जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तू ऐसा इसलिए करेगी, जाके रिपोर्टें देगी अपनी बीबी को। अच्छा चलो निकलो यहाँ से, शाबाश, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं 2 टके के मुलाजिम, तमीज ही नहीं है। ये सही नहीं है, ये बंदी मुझे सही नहीं लग रही, खल रही है। सही कह रही है तू अम्मा, देख लेंगे इसे भी। अस्सलाम वालेकुम खाला। आए वालेकुम अस्सलाम, अंदर नहीं आने को कहेगा बेटा? नहीं नहीं, आई आई। क्यों, मैंने कहा कब से आई हुई हूँ, छोटी को नहीं देखा, उसको देखा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। आई सलमान, ये तो पूरी तुझ पे है। जी हाँ बिल्कुल। रुबीना बेटा, ये थोड़े से तोहफे हैदराबाद से चलते हुए लिए थे मैंने छोटी के लिए। अरे इनकी क्या जरूरत थी खाला? बस बेटा, गरीबों के तोहफों की किसी को जरूरत नहीं होती, मगर हमारा खुलूस है, क्या करें। जी जी, आपके खुलूस की कदर है खाला। वो जहांरा की तबीयत कैसी है? जा के पूछ ले खुद ही। नहीं मेरे ख्याल है ये रात के इस पहर मुनासिब टाइम नहीं है, सुबह ऑफिस जाते हुए देख लूंगा। अरे बेटा वो कर्मों जली सो कहाँ रही होगी, रो रही होगी अपने नसीब को, जा मिल ले। इस वक्त में अरे बेटा, बहन से मिलने में इस कदर हिचकिचाहट क्यों? अरे नहीं हिचकिचाहट की कोई बात नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि जैसे मुनासिब। जाए जाए मिलाए। अब मैं मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? खड़े खड़े जाने का इरादा है क्या सलमान भाई? बैठ जाएं। तबीयत कैसी है, दर्द तो नहीं है ज्यादा? दर्द का अंदाजा देखने से कहाँ होता है, और आपने भी पता नहीं किस बात का बदला लिया है मुझसे। नहीं नहीं, I'm sorry, तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ जानबूझ के। जानती हूँ, जानबूझकर कोई नहीं करता। दर्द और तकलीफ तो हमारी मोहब्बत में हमसे लिपटने चले आते हैं, जब हाथ ही खाली होना सलमान भाई
तो ये सोचें इतनी गहरी जगह बना लेती हैं कि फिर किसी भी चीज की जगह नहीं बचती। बहुत छोटी थी मैं जब अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो गए, फिर तो जैसे सारी खुशियों ने हमसे रुख मोड़ लिया। अब तो हम हैं और हमारी से आप बख्ती नहीं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक मिनट, क्या हुआ, क्या चाहिए? पानी। थैंक यू। किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, मुझे बताना और आराम करो। सलमान भाई, थैंक यू। आराम करो। अब तो आराम ही है सलमान। ये रिपोर्ट आ गई भाई। क्या है इसमें? सलमान साहब, वैसे तो हम जनरल बताते नहीं है, लेकिन आप दोनों जिद कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। प्लीज, आई इंसिस्ट। इट्स अ बॉय। So happy. वाकई it's a boy? Yes, it's a boy. Ya Allah, man. Shukr alhamdulillah. बेटा आने वाला है हमारे यहाँ, बेटा। अच्छा वो ये ले भाई, तू मिल गया, ये ले। मुगल 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 मुगल। अबे खा यार मीठा। इस हफ्ते की तीसरी मिठाई है ये। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया सलमान? बेटा खुशी मनाना अगर दिमाग चलना होता है तो हाँ मेरा दिमाग चल गया है। तू मिठाई का पेड़ क्यों गिन रहे है? मना ले खुशियां, चले अब कुछ काम कर ले, क्लाइंट वेट कर रहा है मेरे भाई। अबे यार नहीं, मैंने नहीं जाना, तू संभाल ले यार। इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तेरे बिना नहीं हो सकती यार। परचेजिंग करनी है, उसका बेटे का रूम सेट करना है, रमशा से मैंने वादा किया हुआ है, वो वेट कर रही है, समझा? तू संभाल ले जा और ये क्लाइंट को खिला दे मिठाई। पागल हो गया। जितनी खुशियां मनानी हैं मना ले, मगर ये खुशियां नसीब नहीं बनने वाली। शरीफन नाम है मेरा, तुम लोग जानते नहीं मुझे। हाय, मशीनें गलत हो सकती हैं पर मेरा तजुर्बा नहीं। इस घर में तो बेटी ही आएगी इंशाल्लाह। अरे आओ बेटा, बैठ जाओ। अम्मा ये बेचैनी नहीं खत्म होने वाली जब तक मेरा बेटा मेरे हाथ में नहीं आ जाएगा। मुबारक हो। आपको भी मुबारक। लाइए मेरा बेटा मुझे दीजिए। बेटा नहीं, बेटी हुई है। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है, आप ही ने तो बताया था मेरे यहाँ बेटा हुआ है। नहीं, गलत फहमी आपको हुई है, आपके यहाँ बेटी हुई है। झूठी हो, झूठ बोला है तुमने मुझसे। तुम लोग बच्चे बदलते हो, कारोबार है तुम्हारा ये। बोलो, होश में तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? होश में तो मैं अब आया हूं और तुम सबके होश भी ठिकाने लगा दूंगा मैं, केस कर दूंगा तुम्हारे अस्पताल पे। अरे क्या कर रहे हैं सलमान? दिमाग खराब हो गया आपके बेटे का? बेटी की पैदाइश पे इतना वावेला, संभाले इसे और इसे लीजिए
मुझे हाथ ना लगाना अम्मा इस बच्चे को, ना जाने किसकी औलाद है ये, किसका खून है ये। अरे क्या औलफोल बकरा, होश के नाखून ले। अगर मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला ना, आग लगा दूंगा तुम्हारे इस अस्पताल को मैं। मजाक समझावा इन्होंने, ये लोग बच्चे बेचते हैं, बच्चे बेचने वाले हैं ये। होंगे कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे अखियां है नम, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर। हेलो आपा जी, हाय अम्मा, क्यों इतना खुश हो रही हो बताओ ना। सलमान तेरा है, तेरा होगा। कैसे? तीसरी भी बच्ची जनी है उसने। मेरी बच्ची राज करेगी, राज। कम खुदाया हम, ये बता दे मुझे अखियां है ना, हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर, हो दुख का दूर अंधेरा, सुख का हो कोई सवेरा, तन्हा है खड़ा दिल कब से डरा है बेकरार, अनजान हुए सब अपने, बह गए आंखों के सपने, मन रेजा रेजा हो के हुआ है अश्क बार, जाऊं मैं कहां छुपाऊं, दर्द की किताब जख्म बेहिसाब, पूरा हो गया अधूरा। जब मैंने एक दफा मना कर दिया था कि ये बच्ची यहाँ नहीं आएगी, तो क्यों लाई है उसको इस कमरे में? मैं ले जाती हूँ साहब। अब कोई नहीं लेके जाएगा इसको, मुझे दो। छोड़े साहब, छोड़े। मुझे दो, मैं इसको जान से मार दूँगा। छोड़े। बच्ची को तो मारने की कोशिश की, आप मुझे भी मारेगा वो? अरे बेटा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, जिन हालात से वो गुजर रहा है, पता नहीं इस बात को वो कैसे ले। हालात ठीक हो जाने दो। हालात नहीं ठीक होंगे, अब बच्चे बदतर होते जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको। बता दे उसे, बाज हो गई हूँ मैं, अपनी बच्चा पैदा कर सकती, ऑपरेशन कर दिया मेरे डॉक्टर्स ने। क्या कह रही है? क्या कहा तुमने? बेटा मेरी बात सुन, इस औरत ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी नस्ल तबाह कर दी अम्मा। मैं उन डॉक्टर्स को गालियां देता रहा, उनसे लड़ता रहा, असल झूठी तो ये छुपाती रही मुझसे। बेटा अगर मैं ये नहीं करती तो ये मर जाती। अरे मरने दिया होता इसको, ये मर जाती तो मैं सबर कर लेता। मेरी नस्ल तो तबाह ना होती ना अम्मा। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, मैं नहीं छोड़ूंगा, आग लगा दूंगा सबको। अरे बात सुन, बस बस चुप करो। अरे बात सुन, अरे
बेटा मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं, किसकी बात सुनूं? नहीं सुनने मुझे किसी की बात। धोखा दिया अब्बा, धोखा दिया रुबीना ने मुझे, तुमने भी धोखा दिया है, तुम लोगों ने सबने मिलके मुझे धोखा दिया अम्मा, तुम सब धोखेबाज हो। अरे हमने कोई धोखा नहीं दिया, ये तो सब अल्लाह की मर्जी है ना। नहीं, अल्लाह ने झूठ नहीं बोला मुझसे, अल्लाह ने नहीं छुपाया कुछ अम्मा, तुमने छुपाया, रुबीना ने छुपाया, तुम लोगों जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की अम्मा, तोड़ के रख दिया मुझे, मेरे ख्वाबों को चकना चूर कर दिया, मेरे सब्र को तोड़ दिया। आपकी बेसब्री ने आपको तोड़ा, उस पर क्यों इल्जाम लगा रहे? बेसब्री? मैं बेसब्र हूं? तू जानती भी है सब्र किसे कहते? देख, देख इस कमरे को, देख इस कमरे को, देख, अपने बेटे के लिए सजाया था इस कमरे को मैंने, ये देख, ये देख, ये वो खिलौने जिनके साथ मैंने खेलना था, उसके साथ सब तबाह कर दिया, उसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाना था मैंने, एक एक लम्हा गुजारना था अम्मा उसके साथ, महीनों नहीं अम्मा, महीनों नहीं, सालों इंतजार किया है जिसका मैंने, इसका झूठ कहा गया सब कुछ। बस कर दे बस कर दे, अरे क्यों उसे अजियत दे रहा है अम्मा? तो मैं अभी भी इसकी अजियत नजर आ रही है, मेरे सीने में जो आग लगी है वो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। बेटा ना होने का दुख मैं समझ सकती हूँ सलमान भाई, अम्मा की इकलौती बेटी हूँ ना मैं, किस तरह ठोकरें खाई उन्होंने मुझे पता, आज उनका बेटा होता तो इस तरह किसी के दर पर तो ना पड़ी होती। कैसी बातें कर रही हो, किसी के खैर का घर तो नहीं है ना, तुम्हारे अपनों का घर है। ये तो आपकी मोहब्बत है सलमान, वरना हम गरीबों को कौन पूछता है। मत किया करो ऐसी बातें, मैं हूं ना। क्या हुआ सलमान, कुछ बुरा लगा? नहीं नहीं। क्या मैं कभी कभार इस कमरे में आ सकती हूँ? बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ। क्या करोगी इस कमरे में आके? यहाँ ऐसा क्या धरा है जिससे तुम्हें खुशी मिल सकती है? ये एक मकबरा है, जिंदा और झूठे लोगों का मकबरा, तुम्हें यहां कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्या करोगी यहाँ आके? अब सॉरी, क्या मतलब, क्या कहा? मैं इसको आबाद करूंगी सलमान, आपकी हसरतों को पूरा करूंगी, आपकी ख्वाहिशों को यूं मरने नहीं दूंगी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मर चुका हूं मैं, बंजर हो चुका है ये घर, बंजर हो चुकी है ये जमीन, और बंजर हो चुकी है मेरी जिंदगी, बंजर। बहुत बहुत मुबारक हो सलमान मेरे यार। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये सब इसकी मेहनत का सिला जो उसे मिल रहा है। मेहनत का नहीं, सबर का। क्या मतलब? अरे बारी साहब, आप यहाँ खड़े दोस्तों में गपशप कर रहे हैं, मैं कब से आपका वहाँ इंतजार कर रही हूँ। अरे मैं तुमको अभी बुलाने ही वाला था, इनसे मिलो, ये सलमान साहब और ये इनकी वाइफ है जिसका अक्सर मैं तुमसे जिक्र किया करता था। अरे इनसे मिलने का तो मुझे बड़ा ही इश्तियाक था। मुझसे? जी, मैं देखना चाहती थी जिस औरत का शौहर उसे पूछने की हद तक चाहता है वो कैसी होगी।
बाय द वे बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटे की। कहाँ है वो, क्या नाम रखा, नजर नहीं आ रहा, क्या आप लेकर नहीं आई उसे, क्या बात है आप जवाब नहीं दे रही। क्या जवाब देंगे, इसके पास जवाब देने को कुछ है ही नहीं। इसका जवाब मैं देता हूं आपको, क्योंकि इसका जवाब बेटा नहीं है, इसका जवाब है बेटी। मेरे यहां तीसरी भी बेटी हुई है। बस यही सुनना था। कोई बात नहीं सलमान, हिम्मत और हौसले से काम लो, अल्लाह ताला बेटे की नेमत से भी नवाजेगा तुम्हें। अब नहीं नवाजेगा, क्योंकि नवाजने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो सब कुछ इस औरत ने खत्म कर दिया है। अब मेरे यहां बच्चा नहीं हो सकता। क्या कह रहा सलमान, पागल हो गया? हाँ पागल हो गया हूं, हो गया हूं पागल। और पागल ना हूं तो क्या हूं, जिस इंसान की जिंदगी में कुछ ना बचाओ वो पागल ना हो तो क्या हो। सलमान चुप कर जाए। कैसे चुप करूं, इस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मेरी ख्वाहिशात को मलिया मेट कर दिया और मैं खामोश रहूं। लाना भेजता हूं सब पे। सलमान बात सुने। सलमान सलमान कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। सॉरी सलमान भाई, मैं अपनी औकात भूल गई थी। बहुत प्यारी लग रही है। ये क्या हो रहा है? ज़ुबीना! मारे मुझे! कल ले आप शाहपुरा, वहां सबके सामने दलील करके आइए भी शाहपुरा करें आप, मारे मुझे! और तुम्हें मैंने मोहब्बत क्या दे दी, तुमने तो मेरी जगह ही ले ली, मेरे कपड़े जाओ चेंज करो मेरे कपड़े जाओ, और बाल क्यों खोले तुमने बाल क्यों खोले, बाल हो गया मेरा दिमाग खराब, सबके सामने दलील किया, क्या गलती की है मैंने, कसूर क्या है मेरा, यही की बेटियां पैदा की है मेरे। नहीं, बेटियां पैदा करना कसूर नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा कसूर है झूठ बोलना, तुम्हारा कसूर है बात को छुपाना, हर वक्त रोना, घर में नौजत फैला के रखी है, कभी आई ने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारे चेहरे में नौजत बरसती है, नौजत। नहीं सलमान भाई, भाभी प्लीज मत लड़े, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, गलती भाभी की नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने इस घर को अपना समझा, मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं इस कमरे में कभी कदम भी नहीं रखूं। बंद करो ये अपने मगरमच्छ के आंसू, दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये, मैं खुद जा रही हूँ, मैं निकालूंगी, चलो छोड़ो इसको, ये जाएगी नहीं जाएगी, ये जाएगी इस घर से, ये घर से जाएगी।
है सलमान, क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने? तमाशा आपकी इस बहू को लगाने का शौक है? मैंने तमाशा लगाया है? हाँ तुमने लगाया, अगर उसने तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो तुम्हारे तन बदन में क्यों आग लगी हुई है? बात कपड़ों की नहीं है, मुझे वहाँ बेहारों मददगार छोड़कर यहाँ इस लड़की का हाथ सामने आए थे। ये गंदगी भरी है तुम्हारे दिमाग में, भाई कहती है वो मुझे। हाँ भाई कहती है वो मुझे, भाई। आधी रात को मेरे घर में मेरे कमरे में मेरी साड़ी पहनकर भाई का हाथ पकड़ रही थी वो। खन्नास है इसके दिमाग में। किस लहजे में ये बात कर रहे हो तुम? अरे क्या पागल पन है, आधी रात को झगड़ा कर रहे हो? आपको मैं लड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ, इसकी फिजूल बकवास नजर नहीं आ रही। बीबी जी इसे कहाँ सुलाऊं? ये लो जाओ, जाके संभालो अपनी इस नाजायज औलाद को। घर घरेस्ती तुम्हारा काम नहीं है, दबो जाओ यहां से। सुना दे क्या दे 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 से। ये पकड़ो और चलो निकलो यहाँ से। बोल राम को निकलो यहाँ से, चलो चल निकल निकल यहाँ से, निकल चल। बोल राम को राम राम को राम को राम को मैं के बैग के जाओ, चलो चलो निकलो जाओ। अरे क्या निकलना यहाँ से, क्या मुसीबत है, चल। क्या किया आपने, क्या करी आप, क्यों करी है सर आप? अल्लाह झूठ ना बुलवाए सलमान बेटा, लेकिन मुझे बानो आपा से यह तवक्को हरगिज नहीं थी कि वो हमें यूं जलील करके घर से निकालेंगी। खाला मैं आपसे माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। अरे बेटा तू क्यों मांगेगा माफी, उन्हीं को मांगनी चाहिए ना। तुम क्यों खामोश बैठी हो, बोलती क्यों नहीं हो, कुछ तुम ही बोलो। क्या फायदा सलमान भाई, अब जिंदा रहकर करना ही क्या। आप एक काम करें कि मुझे जहर दे दे ताकि रोज रोज की सिल्लत और रिसवाई से मेरी जान छुट जाए। क्या कहे जा रही, ऑल फॉल जरूरत ही नहीं ऐसी बात करने की। अच्छा आप लोग चले मेरे साथ, मैं अम्मा से बात करती हूँ। प्यारी आपा देख किस्मत फिर मुझे तेरे करीब ले आई मेरी। अरे बस बस रहने दे, तेरे ये ड्रामे मुझ पे असर नहीं होंगे। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा दाखिल होने की? ये सवाल तो तुम अपने इकलौते बेटे से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए आपा, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत राय गां गई। पूछो क्यों? क्योंकि जिस तरलील से तुमने हमें घर से निकाला था, तुम्हारा बेटा उसी शानो शौकत और इज्जत से हमें इस घर में वापस लेके आया है, माशाल्लाह। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों माँ बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और अपने जीते जी मैं तुम दोनों की नहुसत इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी। अल्लाह ना करे आपा, मैं क्यों फैलाने लगी इस घर में नहुसत भला। हर माँ की तरह मेरा भी बस यही दिल चाहता है कि मेरी बेटी हंसती बसती रहे। जो औरत अपना घर नहीं बसा सकी वो अपनी बेटी का घर क्या खाक बसाएगी? अल्लाह झूठ ना बुलवाए आपा, शरीफन नाम है मेरा। अपनी बेटी का घर बसाए बिना मैं नहीं मरने वाली। जानता हूं मैं तुम ये सब तमाशे क्यों कर रही हो, खुद को मजलूम साबित करके और मुझे जालिम दिखा के तुम क्या साबित करना चाहते, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। अरे और वो जो मेरी बेइज्जती हुई वो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बीच में बोलने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। जाओ जहारा से जाके माफी मांगो और वो साड़ी दे के आओ उसको। किस चीज की माफी, मैं क्यों मांगू माफी? गलती उसकी थी, उसने माफी मांगी खत्म हो गई बात, आप क्यों बात को बढ़ा रहे? और वो साड़ी आपने मुझे तोहफा दी थी, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने दी थी ना, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं जाओ और जाके उसे दे के आओ।
इतना मत आजमाए मुझे सलमान, बीवी हूँ मैं आपकी। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। रुसवा ना करे मुझे कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। कह रहा हूँ वो करो, अपनी बकवास बंद करो, जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और वो साड़ी भी नहीं दूंगी मैं उसे। ठीक है, फिर इस घर में भी नहीं रह सकते। अरे निकलो, निकलो अभी इसी वक्त निकलो, निकलो। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कर रहे हो ये तुम? क्यों कर? छोड़ो छोड़ो इसका हाथ। क्यों कर रहे हो? पागल हो गए क्या? चुप कर जा। मैंने कहा था ना, कहा था मैंने कि जब वो दोनों माँ बेटियां इस घर में आएंगी तो ये घर उजड़ जाएगा। ये उन दोनों का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे उनके आते ही तो तुमने ये तमाशा शुरू किया है। तमाशा मैं नहीं कर रहा हूँ, तमाशा आपकी चहेती बहू कर रही है। एक इतनी सी बात मान नहीं सकती? इसे मेरे घर में रहने का भी कोई हक नहीं। चलो इधर। अरे 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 हटे, चलो इधर। बात सुनो मेरी बात। जाओ जहां से जाके माफी मांगो और वो साड़ी दे के आओ। आपने मुझे तोहफा दी थी, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने दी थी ना, तो मैं ही तुमसे कह रहा हूं, जाओ और जाके उसे दे के आओ। अरे भाभी जान आप। गलती की माफी मांगनी है। माफी? किस बात की माफी? अच्छा याद आया, उस गलती पे थप्पड़ मारा था जो कि मैंने की ही नहीं। बहुत जुल्म किया आपने मेरे साथ। हाँ उसी नाम में हाथ जुल्म की माफी मांगनी है। अच्छा तो फिर मांगे माफी। माफी मांगने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और दिल से बड़ा ज़र्फ, जो कि आपके पास तो है ही नहीं। हाँ दिल तो सिर्फ तुम्हारे पास है और तुम्हें उसका इस्तेमाल करना भी आता है ना? यही शक तो आपको जीने नहीं दे रहा मेरी प्यारी भाभी जी। इस शक को दिल से निकाल दो, वरना यूं ही तड़पती रहेंगी, सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो उस थप्पड़ का, उस जिल्लत का, उस रसवाई का बहुत अच्छे से बदला ले सकती हूँ। हर वो चीज आपसे छीन सकती हूँ जिसने आपको मारा। अच्छा कुछ और भी रह गया छीनने के? है, तुमने जो करना है कर लो। मैं सिर्फ अपने शौहर के हुक्म पर आई थी। ये दिन है। क्या है ये? कल की गई गलती की माफी। हाँ एक मिनट, अभी आ रही है। इम्शा 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 बेटा इधर आओ, तुम्हारी वैन आ गई है, अब तुम जाओ उसमें बैठो। मुझे वैन में नहीं जाना, मुझे बाबा के साथ जाना है। मगर आपके बाबा ने हमें बताया ही नहीं। सुबह बाबा ही मुझे छोड़ने आए थे, अभी भी वही लेने आएंगे, मुझे वैन में नहीं जाना। ठीक है बेटा, मैं वैन वाले को मना कर देता हूँ। क्या आपने पिकनिक किया? क्यों? जिम्मेदारी है आपकी। अच्छा ठीक है सुबह हमने छोड़ा था, लेकिन आपको बताना तो चाहिए था ना, आपकी ड्यूटी है।
मैं कंप्लेंट करूंगी आपकी। ये कैसे कर सकते हैं आप? क्या हो गया? क्यों डांट रही थी उसे? कह रहे कि सुबह मैंने नहीं छोड़ा था तो आपके हस्बैंड जाके पिक करते हैं। हद होती है, फोन करके बताता तो सही। और वो सलमान? सलमान को फोन करो। पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बच्ची मेरी इंतजार कर करके हलकान हो गई। कुछ भी ना मैं चाहूं, दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ। तुमसे ना जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं, मुझे जी लेने दे संग अपने तू साथिया। तुम जहां आ रही हो, आपकी मोहब्बत है सलमान, पर ना मैं तो वही जहाँ आ रहा हूँ जिसको कभी किसी ने आंखें भर के नहीं देखा। अरे हाँ, क्या हमारी नजरें तुम पर से हटी नहीं रही? थैंक यू सलमान। थैंक यू फॉर व्हाट? मुझे जिंदगी की खूबसूरती दिखाने के लिए। आज का दिन मेरी जिंदगी का खूबसूरत तरीन दिन है। यू वेलकम। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा छोड़ ना, ला दे मुझे दे, मैं इसके सीने पे तेल मलूंगी, ठीक हो जाएगी। खबरदार कोई हाथ ना लगाए मेरी बच्ची को, मैं अकेले काफी हूँ। ला मुझे दिखा बेटे। अरे इसकी तो पसलियां चल रही हैं, इसको निमोनिया हो गया लगता है। मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। दे मुझे, दे मुझे, दे मुझे, छोड़ दे मुझे, हट दे, हट जाए, हट जाए। अरे सलमान आप आ गए, कितने फोन किए आपको, जल्दी हॉस्पिटल चले, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ही ठीक नहीं है ना, मर तो नहीं गई? क्या बात कर रहे हो आप? क्या हो गया रुबीना भाभी, क्यों इतना रो रही हैं? तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से आज मैं सब कुछ खो देती। दफा क्यों नहीं हो जाते इस घर से, घटिया औरत। अपनी जबान को लगाम दो वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगा तुम्हारी। नहुसत इतने आराम से नहीं मरती, खुद तो ज़हनी तौर पे पागल हो ही चुकी हो, हमें भी कर दो। बेहोश हो गए आप, इसकी झूठी मोहब्बत ने पट्टी बांध दी आपकी आंखों पर, अंधे हो गए, कुछ दिखाई नहीं देता आपको। हाँ हो गया अंधा, नहीं दिखाई देता कुछ, अब मिला दिल को सुकून, यही सुनना चाहती थी। अब चलो अंदर चलो, मैं देखता हूँ कैसे लेके जाती है उसको। क्या समझते आप?
आप इसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएंगे तो मैं नहीं लेकर जा सकती। इसके बाप का एहसास मरा है, इसकी माँ भी जिंदा है, छोड़े मुझे। अरे रुबीना, रहने दो, जाने दो इसको, पागल हो गई है। तू बेटा है, बेटा बन के रह, खुदाई फौजदार ना बन। मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ, खुदा को मुंह दिखाना है मैंने। चल ये अपना शुद्ध दोष हो। ममता का कत्ल कर दिया,
बनो मट्टी तले दफना के चले आए, वो सांस कैसे लेगी वहां पे जन्नत? मैं नाम चली गई मेरी बच्ची इस दुनिया से, जन्नत नाम रखना चाहती थी मैं उसका, आज से वो मेरी जन्नत है मेरी। मैं कहती थी कि बदनसीब है वो, लेकिन वो बदनसीब नहीं है, बदनसीब आप है। तड़पेंगे आप सारी जिंदगी तड़पेंगे। मुझे बद्दुआ देती शर्म नहीं आती? तुम खुद एक बद्दुआ हो। बेटियां पैदा तुम करो और बद्दुआ मेरे लिए? इतनी नफरत औरत से, औरत से इतनी नफरत? भूल गए हो एक औरत के वजूद से जन्म लिया? अगर औरत जाती इतनी नफरत है तो अपनी माँ से भी नफरत कर दोगे आप? मारो, मारो मुझे, डॉग ले जानिए लो, इसे भी मारो, इसे भी मारो, इनको भी मार डालो, इसे भी मार डालो, सबको मार डालो, तो जान जोड़ जाए इसकी। बस कर दे, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया इसने सबको। कलरा, जो कुछ भी तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल थी, फिर गिल्ट क्यों फील करा रही हो मुझे? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो जैसे सारी गलती मेरी थी? है सारी गलती आप, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे यकीन नहीं दिलाती कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसमें तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी। बोलो। छोड़ी सलमान। कहा ना, जब तक नहीं बताओगी यकीन नहीं दिलाओगी नहीं छोड़ूंगा। थी। थी मेरी मर्जी शामिल, यही सुनना चाहते थे ना, मिल गई खुशी, अब आप भी मुझे बेयारो मददगार छोड़ के चले जाएंगे। अगर तुम्हें इस तरह बेयारो मददगार छोड़ना होता तो यहाँ तक तुम्हारे साथ ना आ जाता। हाँ लेकिन मुझे तो शर्मिंदगी है, आपकी तो बीवी है, बच्चियां हैं, मेरा क्या, मेरी क्या हैसियत रह गई है कल रात के बाद? तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, हम बहुत जल्द निकाह कर लेंगे। ये दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा ये बाहर से कुंडी किसने लगा दी है? सलमान, सलमान प्लीज कुछ करें, अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो मुझ पे खुशी का हर दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या करूं मैं,
कर तो रहा हूं, तुम एक काम करो, तुम खाला को फोन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, खाला को फोन मिला, जल्दी करो खाला को फोन। क्या मुसीबत डाली है, फोन पे फोन, फोन पे हो। अम्मा सलमान के बेटे का जो कमरा है ना, उसकी कुंडी आके बाहर से खोल दे प्लीज, किसी ने लगा दी है। चल मैं आ रही हूं। आ गए। सलमान तुम यहां? हारा ये निकाह आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, आप पे कोई प्रेशर कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं नहीं। और सलमान साहब आप? नहीं जी, मैं बगैर किसी प्रेशर के और अपने होश व हवास में निकाह कर रहा हूँ। तो ये फॉर्म आप फिल कर लें, तो फॉर्म आए। थैंक यू। आप भी साइन कर दें। शरीफान आ गए जासूस। जी आपा। अरे क्या बात है, दूसरों का चैन लूटने वाले आज खुद बेचैनी में घूम रहे हैं। अरे तू जो हमारी बेसुकूनी की दुआएं करती रहती है हर वक्त। अरे अगर मेरी दुआओं में इतना असर होता ना तो तू कब की छोड़ के जा चुकी होती। वैसे ये बता जहाँ कहाँ है, कहीं भाग तो नहीं गई? अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें करती हूँ, कभी तो अच्छे अल्फाज निकाल लिया करो मेरी बच्ची के लिए अपने मुँह से। वो है कि उसके हाल नहीं सकते तुम्हारी दुआएं करते करते और तुम बदफाले निकाल रही हो उसके लिए। अरे जब जब तू ये रोना डालती है ना, मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। चल बता कहाँ है जहाँ? अरे कहाँ होना है उसने बताओ, आज क्या दिन है? जुम्मेरात। जुम्मेरात का दिन उसने मुख्तस कर लिया मजार पे चादर चढ़ाने के लिए। अरे दरगाह पे जाके अपने आप को बस खिदमत खल्क में वक्फ कर देती है वो। ये दिन तो अल्लाह की रजा के लिए है उसकी जिंदगी में। बस कर दे शरीफन, बस कर दे। तेरी शराफत से लेकर जहाँ की मक्कारियों तक मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ, वो कहाँ गई है, कहाँ चादर चढ़ा रही है। अरे आप इसीलिए इसीलिए तेरे कने नहीं बैठती मैं, ऐसे ऐसे जहर उगलती हूँ जला के राख कर देती हूँ। अरे किसी की हाय लग गई ना भसम हो जाओगी आपा। तेरे जैसों की हाय नहीं लगती। मेरे पास अपने प्यार के इजहार का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था। आपके इस प्यार की कदर कर सकती, इसे लौटा नहीं सकती। नहीं लौटाया तो आपने, और हमारे प्यार के बदले हमें प्यार लौटा के आपने सब कुछ दे दिया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे दामन में से उठाई। ओ हाँ सॉरी, ये हमारी तरफ से आपकी मुंह दिखाई। लाइक इट ये वाला जा आ रहा जी। फिर कब मिलोगे? जब आप कहेंगे।
ये सब क्या है? किसका गुनाह लिए फिर रही है कल मोही? अरे कमबख्त, तुम मां बेटी के जा चलोगी तो मुझे पहले ही शक था। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे घर से बरकतों और रहमतों ने मुंह मोड़ लिया है। चल निकल, निकल यहाँ से, चल निकल। क्या हो गया आपा? क्या हुआ मेरी मासूम बच्ची को? इस तरह बेदर्दी से क्यों पीट रही हो? इस मासूम बच्ची से पूछ किसका गुनाह पल रहा है इसकी कोख में। आए खुदा का खौफ करो आपा, किस किस्म की बातें मुंह से निकाल रही हो? आए बेटा कहते झूठ बोल रही है ये। आए तू चुप क्यों है? आए बोल क्यों नहीं रही? आए तेरी खामोशी से मेरा दिल दहला जा रहा है, बोल। मैं एक मिनट के लिए भी तुम दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकल जाओ यहाँ से। आए कमबख्त, आए मुंह काला करा दिया, इससे तो अच्छा था पैदा होते ही तेरा गला घोंट देते। अरे बंद कर अपने ये टसवे, मैं सलमान नहीं हूँ जो तेरे इन आंसुओं के जाल में फंस जाऊं। चलो निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है, क्या ये सब? अरे पूछ इससे किसका गुनाह इसकी कोख में पल रहा है। अम्मा और खाला। हाँ बेटा। आप भी सुन लें, जहां आ रहा मेरे निकाह में बीवी है मेरी, होश में तो है? क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। तूने तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया सलमान। किसके लिए? इस औरत के लिए जो अपना घर नहीं बसा सकी? बस आपा बस। आए मुझे मारो को सोचो के ना कहो, मगर मेरी बच्ची पे कोई इल्जाम मत लगाना। अरे इसका तो मैं वो आशा करूंगी कि ये याद करेगी। कैसे कर सकते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं आप? बताए कैसे कर सकते हैं आप? बोले 8 साल का रिश्ता 8 दिन में नहीं खत्म कर सकते आप, आपके बच्चों की बहू। झूठ बोल रहे ना? झूठ बोल रहे ना? बोले झूठ बोल रहे ना? ये झूठ बोल रहे हैं, ये इसकी गुनामत बदला डालने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ और नहीं जहां रहने को गुनाह किया। शादी की हम दोनों ने, बीवी है वो मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की माँ। सलमान बकवास नहीं करो। अम्मा बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अम्मा अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा 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 आगे खोलो। अम्मा अम्मे अम्मा आगे खोलो। अम्मा क्या हुआ? अम्मा आगे खोलो। अम्मा एम्बुलेंस को बुला। अम्मे अम्मे आगे खोलो, एम्बुलेंस को बुला। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहता है भाई पानी का कोई जायका नहीं। ईमान से आज पानी पीने की वो लज्जत महसूस हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्यों ना हो अम्मा, कल तक तुम जहाँ रहती थी वो तुम्हारी सुतेली बहन का घर था और आज तुम जहाँ खड़ी हो वो तुम्हारी बेटी का ससुराल है। कसम से जहान, यूं लगता है जैसे ख्वाब हो। इतनी जल्दी तूने कैसे सलमान को अपने काबू में कर लिया? जैसे तूने शेख साहब को काबू में कर लिया। शर्म ना आई तुझे? दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई, कानो कान खबर ना हुई मुझे। हाय कैसी बातें कर रही है, अपनी माँ को ऐसा समझा तूने? वो तो मैं इसलिए कभी कभी शेख साहब से बात करती हूँ कि वो तुझे तंग ना करे। तू समझा तो कर, और तेरा पूरा ध्यान सलमान की तरफ लगा रहे, समझी? बस कर दे अम्मा, बस कर दे। सच कह रही हूँ, तू मजाक समझ रही है? अच्छा छोड़ना इन बातों को, फजूल बातें। मजा तो तब आएगा जहां जब तू रुबीना को उस कमरे से निकालेगी और खुद वहां रहना शुरू होगी। लो
जब रुबीना को सलमान के दिल से निकाल दिया अम्मा, तो कमरा क्या चीज है? अब तो बस एक ही बात याद रखनी है, उस बुढ़िया को इस घर से निकाल कर मेरा ख्वाब पूरा कर। याद है रुबीना, एक दिन इसी कमरे में खड़े होकर तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। आज इसी कमरे से निकाल बाहर फेंका है तुमने, सारा गरूर खाक कर दिया मैंने। इस कमरे में मैंने सलमान के साथ एक जिंदगी गुजारी है, उन यादों को कैसे खत्म करूंगी? मेरी रिमशा की पहली हंसी और पहले रोने की गूंज भी इसी कमरे की है, उन यादों को कैसे खत्म करोगी? मेरी रिमशा ने अपना पहला कदम इस कमरे में उठाया था, उन यादों को कैसे खत्म करोगी? ये तस्वीर देख रही हो? इस तस्वीर में बसी उस मुस्कुराहट को देखो, देखो कितने खुश थे हम लोग, जिसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नजर खा गई। इन यादों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन इन यादों को फाड़ के तो खत्म कर सकती। तस्वीर मुझे दे दो, तस्वीर मुझे दे दो। क्या हो रहा है? सलमान, ये मेरे बच्चे को आप इसको ये कमरा वापस कर दे, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। सलमान ही मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। इतनी हिम्मत? झूठ कह रही है। इधर देख, आधे घंटे में कमरा खाली करो। चलो जाना मेरे साथ, चलो। ये बता दे मुझे, अखियाँ है ना हर कदम क्यों सजा है मुझे? क्यों सजा? पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। किसी और की नहीं अम्मी, अपनों की। ये जहां आरा और शरीफन है, तुझे मना भी किया था कि उनको नहीं लेकर आते घर, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख लिया ना नतीजा। सही कहा था आपने, काश मैं आपकी बात मान लेती। आप इतना ना सोचा करें, तबीयत और खराब हो जाएगी आपकी। आराम से खाना खाएं। मेरी तो यही दुआ है अल्लाह से कि सलमान के दिल में तेरे लिए मोहब्बत डाल दे और उसके सर से बेटे का भूत उतार दे। और क्या चाहिए? अल्लाह, पानी लाती हूँ। आखिर तुम इस घर में अपनी सही जगह पहुंचे। वैसे बहुत ढीठ हो तुम, काफी मेहनत करनी पड़ी मुझे तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारी औकात है। बहुत मान था ना तुम्हें अपने सलमान और उसकी मोहब्बत पर। देखो उसने तो तुम्हें बाहर निकाल फेंका उस कमरे से।
मम्मा क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? मैं हूँ ना, मैं साथ हूँ ना आपके। अब आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? छोड़कर कहाँ जाऊंगी आपको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो आपके साथ हूँ। मम्मा डोडो। बेटा आप इसके साथ रहो, मैं इसका फीटर बना के लाऊंगी। नहीं मम्मा, अरे क्या हो गया? डर लग रहा है। आप तो मेरी बहादुर बेटी हो ना, ये तो छोटी है, इसके साथ रहो, इसका ऐसे फीटर बना के लाती हूँ, ठीक है? डरना नहीं है, ओके? बस मैं अभी आई, बहन का ख्याल रख। सलमान देखो खून बह रहा है इसके बहुत ज्यादा। सलमान कुछ करो, सलमान सलमान कुछ करो, सलमान सलमान खून बह रहा है बहुत ज्यादा। आज चली गई ना मोहब्बत, कुछ भी कर ले तू जहान, वो बाप है और बाप की मोहब्बत ही खत्म होती कभी नहीं। अम्मा मैं उन माँ बेटियों के सामने वो दीवार बन के खड़ी हो जाऊंगी कि सलमान चाहेगा भी तो पार नहीं कर सकेगा। माँ बेटियों की आवाज तक सुनाई नहीं देगी उसे, देखना चाहेगा ना तो भी नहीं देख सकेगा। जहान धीरज रख, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। मुझे तो ये डर है कि इन जज्बात में तू अपना नुकसान न कर बैठना। जहारा नाम है मेरा, जो मैं सोचती हूँ वो करके बैठती और जो चाहती हूँ वो पा लेती, और अगर वो मुझे ना मिले ना तो उसे मैं कहीं का नहीं होने दी। अगर मैं बर्बाद हुई अम्मा तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। हाय, अरे ये क्या हुआ मेरी बच्ची को, इसके सर में पट्टी कैसे लगी हुई है? खेलते खेलते गिर गई थी। तुम कितनी दफा कहा है इसे अकेले मत छोड़ा करो खेलने के लिए, तुम कहाँ थी और सलमान कहाँ था? मैं नाश्ता बना रही थी और सलमान नहा रहे थे। अरे तुम्हें मर गई थी क्या, मेरे पास छोड़ देती? देखो ना बेचारी बच्ची का क्या हाल हो गया। बच्चा आप संभालने में आ रही हूं। पी ले। नहीं पीना मुझे दूध, मर जाने दे मुझे, वैसे भी किसी को एहसास ही नहीं है मेरा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। नहीं ऐसे नहीं कहते बेटा, पी ले दो घूंट पी ले, चल एक घूंट पी ले जल्दी से। क्या हुआ? आए होना क्या है बेटा, शादी की है तो संभाल ना इसे, हालत देखिए इसकी, ऐसी हालत में तन्हा छोड़ के कहाँ चला जाता है इतनी इतनी देर के लिए। ले पकड़ संभालो इसे। बेचारी बच्ची मेरी। क्यों आए आप यहाँ पर? ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, ऑफिस मेरा क्या, मैं तो मर भी जाऊंगी तो किसी को क्या फर्क पड़ता, सिर्फ अम्मी तो है जो मेरा ख्याल रखती है। नहीं जहाना कुछ ख्याल है ना तुम्हारा, जानते हो कितना ख्याल है आपको, जानते हैं मियां कि कितनी अजियत में मैं हूँ। लेकिन नहीं आपको क्या, आपको तो अपनी बेटी का दर्द नजर आता है लेकिन मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। मर भी जाऊंगी ना तब भी कोई एहसास नहीं होगा क्योंकि आपकी अपनी फैमिली जुड़ी हुई है। जानती भी हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं है, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे इर्द-गिर्द घूमती है, और तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम्हें लगता है मैं जिंदा रह पाऊंगा? बस कहने की हद तक ही है आपका प्यार। अच्छा ठीक है, आज मैं कहीं नहीं जा रहा, पूरा दिन अपनी जहारा के साथ रहूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा
और तुम्हारे सामने रहूंगा, नजरों के सामने। अब ठीक? गग्गा, ये लो, पी रहे। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। अरे मैं चाय बन गई है, बस मैं ला ही रही थी। नहीं मुझे देर हो रही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। मैं आपसे नाराज हूँ भाभी, आपने रमशा को स्कूल से उठवा दिया। क्या करूँ, किसे फिकर है उसकी, और कौन माँ चाहेगी कि उसका बच्चा स्कूल ना जाए। और रमशा, रमशा तो जानते हैं ना उसे पढ़ने का कितना शौक है, लेकिन क्या करूं, सलमान को तो पता नहीं क्या हो गया है, स्कूल की फीस तक नहीं देता, ऐसे नहीं है मेरे पास। आप मुझे भाई कहती हैं लेकिन समझती नहीं, आप मुझे भाई समझती ना तो मुझसे जरूर डिस्कस करते। सी बात नहीं है इमरान भाई, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जो भी है भाभी, मैं फिर भी आपसे ये कहूंगा कि रमशा को स्कूल भिजवाइए, शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं जो सलमान के शेयर्स में थे, आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं इमरान भाई, ये मुझे नहीं चाहिए, आप सलमान को दे दें। अरे नहीं नहीं भाभी, ये पैसे मेरे नहीं, सलमान ही के हैं, आप उन्हें पास रखिए, आपके काम आएंगे। रखिए ना, रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। आसमान टूट गया कि तेरे चेहरे का रंग ही उड़ा गया। अरे बेटा इससे तो अच्छा था आसमान टूट पड़ता। बेटा आराम से अम्मा, आसमान टूट जाता या मेरी रूह कब्ज हो जाती, यकीन कर बेटा, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मगर उस कमबख्त रुबीना को शर्म ना ही करते हुए। एक मिनट, रुबीना क्या क्या किया रुबीना ने? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से तेरा वो दोस्त है ना इमरान, उसे रुबीना के पास देखा और ढेरों पैसे दे रहा था उसे। नहीं नहीं अम्मा, जरूर तेरी आंखों का धोखा होगा, रुबीना ऐसी नहीं है। हाय काश मेरी नजर का धोखा होता बेटा, मेरी तो अपनी ख्वाहिश है ये धोखा होता, ख्वाब होता, लेकिन अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मेरी आंखों ने खुद ये मंजर देख डाला। वैसे सलमान के होते हुए रुबीना को क्या जरूरत थी कि वो इमरान से पैसे ले, पैसों की जरूरत थी तो इनको कह देती ना, ये दे देते पैसे। हाय जहान तू बोली है बेटा, बात तो ये होती है कि कोई भी मर्द किसी औरत को क्यों कर पैसे देगा। बेटा आराम से। तुम्हारे और इमरान के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ के तुम्हें पैसे क्यों देके जाता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम अय्याशी करते फिरो? मुझे नफरत हो रही है आपकी सोच से। अच्छा, मैं बकवास सुननी नहीं है। आराम, बकवास सुननी नहीं है कि बच्ची, सिर्फ इतना बता दे वो यहाँ आता क्यों है, तेरा रिश्ता क्या उससे? छोड़े मुझे। ऐसे कैसे छोड़ू, मेरे सवाल का जवाब दो फिर यहाँ से जाओ। मुझे हैरत हो रही है आपकी सोच पर। हैरत हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया मैंने तुम लोगों को? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात सोचते हुए। इतनी ज्यादा पाकीज़ा बनने की जरूरत नहीं है। मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है और तेरे क्या चक्कर चल रहा है उससे सब पता मुझे। छोड़े मुझे, बकवास बंद कर अपनी।
क्यों आता है वो यहाँ? क्यों दे रहा पैसे? इसे कुछ नहीं है, कुछ सलमान क्या ये? क्या ये? क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूं? हैं? अपने बच्चों का और बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता? हैं? तो दफा हो जा, अभी दफा हो जा, और उससे कह के वो ही पाले तुझे। सलमान ये क्या कर रहा है? क्या ये तेरी बच्चियां नहीं है? पता नहीं अम्मा, यही जानती होगी इनका बाप कौन है। इस घर में कौन कौन आता है और कब आता है मुझे क्या पता? क्या कह रहा है सलमान? निकल यहां से, मैं इसे इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या कह रहा है तू? निकल यहां से। अरे सलमान छोड़ इसे। नहीं अम्मा, जाओ। आज बीच में ना आना, आज मैं किसी की नहीं सुनने वाला। चल आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप पर चल, डॉक्टर ने मना किया, तबीयत खराब हो जाएगी, आराम कर। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। इधर चल, चलो निकलो बाहर, चलो इधर आओ, चल छोड़, छोड़ मुझे, मैं छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। अरे बस शरीफ, सलमान दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को बेघर मत करो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सलमान बात सुनो, आ जाओ, मैं कह रहा हूँ। सलमान, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो, तुम इस सर्वेंट क्वार्टर में भी रहने के काबिल नहीं हो। जब तक इस घर में रहोगे मेरी जिंदगी अजाब बना के रखोगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें निकाल लाए, ऐसा नहीं जाओगी तुम। इधर आओ तुम, बहुत देख लिया मैंने, बहुत बातें सुन ली तुम्हारी, निकल निकल बाहर, निकल, पकड़ो पकड़ो अपना बैग, शक्ल नहीं देख सकता तुम्हारी। सलमान ने बच्चों को लेके कहाँ जाओ? कहाँ जाओगी सलमान? सलमान दरवाजा खोले, सलमान में बच्चों को लेके कहाँ जाओ? सलमान तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे बानो आपा, चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? अरे देख नहीं रही, सोने की तैयारी पकड़ रही हूँ, और वैसे भी एसी में ना सोया कर, दिल के साथ कहीं जोड़ों का, हड्डियों का दूसरे मसले मसाइल ना हो जाए। अब चल जा, मुझे सोने दे, जुबान संभाल के बात कर, और चल निकल मेरे कमरे से। अरे मेरे कमरे से? अरे तेरा कमरा कहाँ से आ गया? अरे बानो आपा, अब तो ये पूरा घर मेरी बेटी का है, तो शुक्र करो गनीमत जानो, तो तुम्हें सर छुपाने को छत दे रखी है। अब तू मुझे मेरे ही घर से निकालने की है? चल उठ, उठ, चल निकल, निकल, बानो, निकल। अरे 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 एक मिनट, क्या हो रहा है ये? क्यों शोर कर रही हो खाला? मेरी गलती है, अरे बेटा मेरी गलती है, जो दो घड़ी सस्ताने को बानो आपा के कमरे में आ गई। अल्लाह झूठ ना बुलवा, मेरे कमरे में घुटन गर्मी, सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी, तो मैंने कहा दो घड़ी बानो आपा के कमरे में एसी में लेट जाऊं, गलती हो गई मुझसे। माँ क्या हो गया? अगर दो मिनट को वो सस्ताने के लिए लेट ही गई है तो क्या परेशानी है? गलती हो गई मुझसे बानो आपा, मुझे माफ कर दो, जो मैं दो घड़ी तुम्हारे कमरे में आके लेट गई। बंद कर दे अपने ये ड्रामे शरीफ। रे अम्मा, उनका दम घुट रहा है, हफ्स हो रहा है, और आपको ड्रामे लग रहे? तुझे इसकी घुटन नजर आ रही है? तुझे अपनी बीवी और बच्चियों का तड़पना और सिसकना नजर नहीं आ रहा है? बजाय इसके कि तू इसे इस कमरे से बाहर निकाले, तू उल्टा मुझे कह रहा है। नहीं अम्मा, ये यही रहेंगे इस कमरे में आपके साथ। मुझे नहीं बर्दाश्त है इसके साथ रहना, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अगर तूने अपनी जिद ना छोड़ी तो मैं ये कमरा छोड़ दूंगी। खाला तो यहीं रहेंगी उस कमरे में। ठीक है, ठीक, लेकिन बाद में मुझे ये ना कहिएगा कि आपको आपके कमरे से मैंने निकाला।
क्यों आपा, कैसा लग रहा है गर्मी में? सारी जिंदगी हमने भी इसी गर्मी में काटी। बस हसरत ही थी आपा कि तुझे इस हाल में देखो। अल्लाह ने मेरी हसरत बिलाखिर पूरी करी दी। मैं कैसे शुक्र अदा करूं उसका? खुदा से डर शरीफन, उस पाक हस्ती का नाम अपनी इस नापाक जुबान से ना ले। उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। जिस दिन उसने रस्सी खींची थी तो दोनों माँ बेटियां कहीं पनाह लेने के काबिल नहीं रहोगी। हैं? हाय आपा, मैं तो डर गई। हाय आपा, तू डर अल्लाह से, तू अपनी खैर मना, कहीं इस गम में ऊपर ना कूच कर जाना। मैं अपनी आपा के बिना कैसे रहूंगी? मैं अपनी आपा के बगैर कैसे रहूंगी? ऐसे थोड़ी मरने दूंगी अपनी बड़ी बहन को। मैंने तो अपनी बहन को तड़पा तड़पा के जिंदा रखना है। अच्छा भाई, हम तो चले। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हरगिज मुझे ना बुलाना। वो क्या है कि इसी वाले कमरे से बार बार निकलना जरा मुश्किल लगता है ना, और वैसे भी तुझे तो पता है कि मेरे जोड़ों में जरा दर्द रहता है। तू ठहरी सख्त जान, आ तू तो कहीं भी रह लेती। मैं हूं जरा नाजुक मिजाज की, उस कमरे में तो अब मैं ही रहती हूँ ना। अच्छा बस, अल्लाह झूठ ना बुलवा, इस गर्मी में तो दो घड़ी भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। कहाँ थी तू? मैं कितनी परेशान रही हूँ सारी रात। चल अंदर चल, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। खबरदार, कोई अंदर नहीं आएगा, और ये तो बिल्कुल नहीं। मर गई मेरे लिए ये। तौबा करे सलमान, कैसी बातें कर रहा है? सलमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब क्या लेने आई है ये यहाँ? हैं? आए किधर गई तेरी आशिकी? निकाल दिया उसने भी घर से? क्या नाम देगी बेटियों को? क्या बताएगी जमाने वालों को कि क्यों निकाला तुझे घर से? तू मुंह संभाल कर बात कर शरीफन, क्यों मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रही है? तो क्या गलत कह रही है अम्मा ये? हैं? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के सुकून नहीं मिला इसे? तो जाए जाके कहीं दो चार दिन और रह आए। सलमान आप अंदर चल के नाश्ता करें, ऑफिस के लिए देर हो रही है आपको। सुबह सुबह अपना मूड खराब कर रहे हैं। मूड? सिर्फ मूड? मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है इस औरत। छोड़े गुस्सा छोड़े मेरे लिए सलमान, प्लीज आप इसको ना इस घर में रहने दे। अब ये बच्चों को लिए लिए कहाँ फिरेगी? प्लीज आप इसको मेरे लिए इस घर में रहने दे। आप कहेंगे ना तो ये सर्वेंट क्वार्टर में रह लेगी, लेकिन प्लीज इस तरह दरबदर ना करें इसे। देख लिया, जैसे तुम सब बुरा कहते थे उसी के दिल में तुम्हारे लिए रहम है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना है ना तो वैसे ही रहना होगा जैसे जहां आना चाहते। हाय हाय, एक तो तुम लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते, मैं क्या करूं। उठ बावर्ची खाने में, काम देखो बहुत फैला हुआ है।
और अब मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी बुढ़िया, काम करोगे तो खाना मिलेगा। चप्पो को छुट्टी दे दी मैंने। अरे चल छोटी उठ, पैर दबा, मेरे पता नहीं कहां से दर्द निकल आया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, चल उठ। रमना को सुलाकर आ रही हूं, मैं सारा काम कर दूंगी। ये नहीं सोने की मनहूस, हर वक्त की टें टें इसके दिमाग में बजती है। अब मुझे तो लगता है जन्नत की तरह वहीं जाके सोएगी। खाला क्या आंखें दिखा रही है, चल काम कर अपना। आई बड़ी, अरे चल तू। शर्म नहीं आती आपको, इसी छोटी बच्ची से काम करवाती है, पैर दबाती है? नहीं शर्म तो तुझे आएगी जब इसका बाप इसकी हड्डी पसली तोड़ेगा। भेजती है कि नहीं भेजती? अरे उठ चल, ज्यादा नखरे दिखाए ना। जब बेटा जाके काम खत्म कर ले, ये ना हो कि फिर वो सलमान को धोखे तीन लगा दे। रुबीना पानी लाकर दो जरा। ये टेबल कितना गंदा हो रहा है, इसको भी साफ कर दो। वैसे कैसा फील हो रहा है? जिस घर में सलमान ने तुम्हें महारानियों की तरह रखा था, नौकरानी बना दिया मैंने तुम्हें। वैसे आपस की बात है, तुम जैसी मासूम और बेवकूफ औरत आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अरे मर्दूद जोर लगा जोर। हाँ अरे खाना तो मनो मन खा जाती है, जान हाथ क्यों रोक रही है, चलाती रहे हाथ। अरे आए उंगलियां खींच, दूसरे पांव की। चल टांगे दबा, हाँ जोर लगा के, जोर लगा के। हाँ ये दबा बाजू। बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। ओह मैं तो भूल ही गई थी, हमने तो खाना खा लिया है। अब ये तो मैंने मासी के लिए रखा था, चलो तुम खा लो। कोई बात खाओ। क्या हुआ सलमान, सब खैरियत तो है ना? हाँ मैंने तुमसे कहा भी था, इन लोगों के कदम मनहूस हैं, रुबीना को इस घर में कदम भी मत रखने देना। लेकिन हुआ क्या है, सब खैरियत है ना? यार जिंदगी में पहली बार सोचा था कि इस नौकरी से मेरी जान छूट जाएगी, अपना कारोबार मैं शुरू करूं। एक छोटा सा कारोबार सेट करना चाह रहा था, अच्छा भला एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि जैसे जैसे वो भी हाथ नहीं आएगा। सलमान अगर हम गाड़ी और जेवरात बेच दें तो? नहीं नहीं मेरी जान, इतने पैसों से काम नहीं चलेगा, ज्यादा पैसे चाहिए। मुझे कम से कम भी करोड़ डेढ़ करोड़ की जरूरत है फौरन। इतने पैसे? सलमान अगर आप इमरान से बात करें तो हो सकता है आपकी कोई मदद कर दे। खबरदार उसका नाम नहीं है, जिस शख्स का जिक्र पसंद नहीं करता मैं उसके आगे जाके हाथ फैलाऊं, सवाल ही पैदा। अच्छा अम्मी के ना एक जानने वाले, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करके देखूं।
देख लो, रकम बड़ी है, अगर वो अरेंज कर सकें तो हमारी मदद के लिए तैयार हो जाएं तो ठीक है। आई डोंट माइंड, मैं आज ही ना अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? अरे बिरयानी का तो हाथ से ही खाने का मजा आता है, हाथ से खा लो। जैसे तुम्हारी मर्जी। वाह, देखो भाई शरीफ, ये तो एक अच्छी खासी रकम है, और फिर मैं सलमान को इतना जानता भी नहीं, उससे मेरी कोई बातचीत भी नहीं है कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी के इतनी बड़ी रकम उठाकर उसे दे दूं। शरीफा, जहान ने मुझे बड़े अरमान से भेजा आपके पास, मैं उसका दिल टूट जाएगा, और फिर मेरे और जहान के होते हुए आपको सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? जहान का तो तुम नाम भी मत लो, उसने मुझसे शादी न करके मेरे दिल को जो ठेस पहुंचाई है ना, उसका मदावा कौन करेगा? अरे शेख साहब, मैं हूं ना। देखो शरीफन, अब इस उम्र में आके मुझे मौत से ज्यादा तन्हाई का खौफ सताता है। वाहल, मैं सलमान को ये रकम देने पर तैयार हूं। ईमान से शेख साहब, आपसे ऐसी उम्मीद थी मुझे, मैं जहान को बताती हूँ, खुश हो जाएगी। हाँ लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। है वो क्या? पहली शर्त तो ये है कि सलमान अपने घर के कागजात मेरे पास गिरवी रखवाएगी, और दूसरी शर्त तुम मुझसे शादी करो। अरे अम्मा, ऐसा क्या कह दिया शेख ने जो तू इतनी आग बगोला हो रही है? अरे मनहूस मारा कह रहा है कि एक शर्त पे लूंगा सलमान को पैसे। वो क्या भला? मैं करूं उससे शादी तब। तो अम्मा, इसने गलत बात क्या है, कर ली शादी? है तू पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों बनूं बल्ली का बकरा इस उम्र में? सारी दुनिया थू थू करेगी, धुतकारेगी मुझे। अरे बेटी माँ बनने वाली है, और माँ को बैठे बैठे क्या सूची बुढ़ापे में कि शादी कर बैठी। और जो सलमान है ना तेरा मियाँ, जो आज मेरे हाथ पैर धो धो के पीता है, सबसे पहले मुझे चुटिया से पकड़ के घर से बाहर निकालेगा, और फिर तुझे। हाय अम्मा, तू फिकर ना कर, तू ना बस शेख साहब को अपनी मुट्ठी में ले ले, राज करेगी उस घर पे राज। और रही बात सलमान की, तो वो गुस्सा होने के बजाय तेरे पैर धो धो कर पिएगा कि खाला ने जमाने भर की फिक्र किए बगैर मेरे लिए शेख से शादी कर ली। रुबीना देखो, सोच समझ लो, क्या तुम कैंटीन चला सकोगी? मुझे तो खैर कोई एतराज नहीं है। जी मैं सोच समझ कर ये बात कर रही हूँ, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है, जिससे मैं अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटियों की वजह से तो कह रही हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। देखो रमशा इसी स्कूल में पढ़ती है, और अगर तुम कैंटीन चलाओगी तो वो ऐसा से कमजोरी का शिकार हो जाएगी। मैं उसे समझा दूंगी, वैसे वो काफी समझदार बच्ची है, और अगर ऐसा कुछ मुझे महसूस हुआ तो ये काम मैं बाद में खुद ही छोड़ दूंगी। चलो तुम कह रही हो तो ठीक है, फिर कल से तुम कैंटीन चलाओ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। भाई आप लोग ख्याल रखिए इनका, और आप भी तकल्लुफ ना कीजिएगा, अब तो आपका अपना ही घर है। मम्मा अंदर चले, रमना बहुत रो रही है। बेटा मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, आप देख लो जब तक, जाओ। मम्मा आपने इतना कुछ खाना बनाया है, क्या ये सारा खाना हम भी खाएंगे? नहीं बेटा हम नहीं खाएंगे, मेहमान आ रहे हैं ये उनके लिए बनाया मैंने। हाँ भाई खाना तैयार है, और तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ चल निकल यहाँ से,
भूखों नदीदों की नजर लग गई हमारे खाने पे, पेटों में दर्द होगा। चल यहाँ से जाओ बेटा, मैं आ रही हूँ। खाना बना दिया, अपने मेहमानों से कहें कि आप लोग खा लें। अरे जहान, अरे आजा बेटा, शेख साहब को लेके खाना लग गया है। शेख साहब खाना खाइए, किन सोचों में गुम हो गए? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि सलमान ने अपनी पहली बीवी को सेवन क्वार्टर में क्यों रखा होगा। आए छोड़िए, इन चक्करों में ना पड़िए तो अच्छा है शेख साहब, उसने भी तो बेटियों का जुम्मा बाजार लगा रखा है ना। कौन मर्द पसंद करता है इस बात को, कोई नहीं। वैसे भी उड़ती उड़ती सुनी है हमने कि कुछ, वो क्या नाम है बेटा उसके दोस्त का, हाँ इमरान के और रुबीना के बीच में कोई खिचड़ी पकड़ी है। वल्ला आलम, अब ये तो देखने में यही आया है कि सलमान की और उसके दोस्त की बरसों पुरानी दोस्ती इस औरत की वजह से खत्म हो गई। छोड़िए ना, आप तो खाना खाइए। ला बेटा बूटी निकाल के दे। आए लीजिए ना, ये लीजिए घोटाला। इस नाचीज को शेख कहते हैं, सलमान ने मुझसे ही पैसे लिए। जब जहान ने मुझे आपकी दुख भरी दास्तान सुनाई, मेरे दिल में वाकई आपके लिए हमदर्दी के जज्बात उतर आए, और आपके देख के बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान को नगीने की पहचान नहीं है। वैसे अगर आप कहें तो इस तरह के कई एक घर आपके नाम कर दूं। जी नहीं शुक्रिया, मुझे किसी चीज की और हमदर्दी की जरूरत नहीं। अरे कब तक सलमान जैसे नाकदरे के पीछे अपनी जवानी गुजारती रहोगी, बल्कि बर्बाद करती रहोगी। मुझे तो तरस आता है आपको देखकर कि सलमान ने किस तरह इस घर में आपको एक मामूली सी नौकरानी बना के रखा हुआ है। बस एक बार अगर हाँ कर दो ना, तो मैं तुम्हें अपने दिल की महारानी बना दूँ। मनोज ये क्या कर दिया तूने? मोगा तो नहीं होगे तू? अरे तेरी ये हिम्मत पे तेरा हाथ काट के फेंक दो। अरे 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 मांग माफी। अरे अरे शरीफन छोड़ दो, जाने दो ना, दफा करो। आ कैसे जाने दूं शेख साहब, ये जानती नहीं इसने कर क्या दिया, इसने शेख साहब पे हाथ उठा दिया। अरे मैं तो इसका हाथ काट के यहीं फेंक दूंगी। मांग माफी। नहीं मांगूंगी माफी, जो करना है कर लो, छोड़ो। क्या बकवास कर रही है, क्या समझती है तू खुद को? पापा ने भी ना तुझे बहुत सर चढ़ा के रखा हुआ है। आज आने दे सलमान को, अगर तेरे सारे बल ना निकलवाए तो मेरा नाम शरीफा नहीं है। आपको तो यकीन है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, तुझे मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं भूखी तो मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इज्जत बची ही कब है? सलमान वो शेख एक नंबर का झूठा और मक्कार है वो, आप यकीन करें मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी यकीन नहीं है। तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती, मर क्यों नहीं जाती? अरे होश कर सलमान, बीवी का ना सही बच्चियों का तो एहसास कर ले। नहीं है मेरी बच्चियां, ना ही ये मेरी बीवी। कसम खा सकती, उस शेख ने खुद मेरा हाथ पकड़ा था और शादी का कह रहा था। बस कर दे बेटा, भला शेख साहब तुम्हें शादी करने को क्यों कहेंगे? उन्हें पता है कि तुम सलमान के निकाह। इतना बड़ा इंसान, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि शेख साहब ने दोबारा से सलमान को अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल बनाया? पैसे दिए उन्होंने? पैसे दिए? अरे पैसे दिए इसका मतलब ये कि वो घर की औरतों की इज्जत पे हाथ डाले? घर की औरतों ने अपनी इज्जत बचाई कब है और रही कहाँ है? सलमान, मुझे खुद से ज्यादा रुबीना पर एतबार है, और जहां तक उस शेख की बात है तो मैं अभी जाकर उसको इस घर से निकालती हूं। बस अब्बा बस,
कोई किसी को नहीं निकालेगा इस घर से। तुमने बहुत यकीन कर लिया इसकी बातों में। मैं नहीं कर सकता। शेख यहीं रहेगा, जब चाहेगा आएगा और जब चाहेगा जाएगा। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है, और ये मेरा फैसला है। जहारा, अरे तबस्सुम, तो आओ बैठो, बस करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी सारी चलाकियां मेरे सामने आ चुकी। क्या बात कर रही हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रुबीना का घर बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो मेरा घर बर्बाद करने चली थी। आ यकीनन तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा, मेरी जहान क्यों कर करेगी इस तरह का घटिया काम। हाँ तबस्सुम, भला मैं क्यों तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी, बल्कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप लोग मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम आओ ना बैठो, हम आराम से बात। तुम जैसी औरत के साथ ना मैं दो घड़ी बात करना पसंद करूंगा, मुझे तो तुम्हें औरत कहते हुए भी शर्म आती है। अरे बस बहुत हो गया, अगर हम चुप करके तेरी बकवास सुनते जा रहे इसका ये मतलब नहीं जो तेरे मुंह में आए तो बोलती चली जाए। अगर अपनी इज्जत का इतना ही पास था ना आपको, तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती आप। मुझे शाकरा ने सब बता दिया। शाकरा? कौन शाकरा? इतनी मासूम मत बनो जहारा, मैं सब अच्छी तरीके से जानती हूँ। और ज्यादा बात घुमाने की कोशिश की ना तो पुलिस को भी बुलवाया जा सकता है, समझ आई? इमरान भी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आइंदा मुझे भाई कहने की कोशिश भी मत करना, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। तबस्सुम तुम तो मेरी बात मानो, देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब इल्जाम है मेरे ऊपर। ये जरूर ना रुबीना की कोई नई साजिश है मुझे बदनाम करने की। खुदा का खौफ करो जहारा, मजीद झूठ मत बोलो, और अपने मगरमच्छ के आंसू ना सलमान भाई को दिखाना तुम। अगर तुमने दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कहोगे। चले इमरान। रुबीना भाभी कैसी हैं आप? रुबीना भाभी मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लोगों की बातों में आके आपको इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, तबस्सुम तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करती। अच्छा अच्छा बस ना, तो छोटी बहनों की तरह हो जाता है इस तरह, भूल जाओ जो होना था वो हो गया। हमजा नहीं आया, ये बहुत याद करती है हमजा को, है ना? भाभी उसके मंथली टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से। अगली बार ले आइएगा इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग बैठे ना, मैं चाय बना कर लाती हूं। हम काफी टाइम से आपका वेट कर रहे थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे। रमशा का स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। अब नहीं तबस्सुम, वो जहां है वहां ठीक है। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया ना? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, वरना आप मुझे कभी मना नहीं करती। और क्या रमशा पे मेरा हक नहीं है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो तो ठीक है, मुझे एतराज नहीं है। और एक बात और, मैं चाहती थी आप अपना ये कैंटीन वाला काम छोड़ दें और इमरान का ऑफिस ज्वाइन कर लें तो। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक बार फिर किसी को मौका नहीं दे सकती कि कोई बात करनी। अरे भाभी क्या हो गया आपको? नहीं तबस्सुम बहुत शुक्रिया, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ तबस्सुम, मुझे वहाँ रहने दो। अच्छा चले ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं कि हम आपके लिए एक गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी के पैसे नहीं है मेरे पास। तो हम अरेंज कर लेंगे ना आपके लिए गाड़ी, और जब आपके पास पैसे आए आप अपनी गाड़ी ले लीजिएगा और हमें वो वापस कर दीजिएगा।
आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही सर। वो गाड़ी ड्राइवर कह रहा था कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कहा वर्कशॉप दिखा दो, वो मैंने कैब मंगवा ली। अरे सर तो आप मुझे कहते थे मैं गाड़ी अरेंज कर लेता। एक ही बात। ठीक है सर। बात याद रखना, अगर मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। अपनी हसद अपनी जलन में इस हद तक बिगड़ सकती है, किसी की जान ले लो तुम। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद अपनी गलती से गिरी है। ठीक कहती है जहां, तुम चाहती ही नहीं हो कि मुझे बेटे की कभी खुशी मिले, लेकिन अगर कुछ हुआ ना मेरी बीवी बच्चों को तो तुम और तुम्हारी बेटियां सारी जिंदगी अफसोस करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। मुबारक हो आप लोगों को, ये आपका बेटा। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। और ये आपकी बेटी। अरे माशाल्लाह, मेरी जहान की तबीयत कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया। सुनें, ये बच्चा काफी देर से रो रहा है, आप इसे इसकी माँ को दे दें, माँ के पास जाएगा तो चुप हो जाएगा। ले जाओ इसे यहाँ से, नहीं चाहिए हमें ये। पर मैं कहाँ ले जाऊँ? अरे ले जा, किसी बे औलाद को दे दे, हमें नहीं चाहिए ना भाई, किसी का भला हो जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? अजब, खामखा उसकी नहुसत का साया मेरे नवासे पे पड़ रहा है। हाय, देख पड़ गया ना साया मनहूस का इस पे। इधर ला, आजा आजा मेरा शहजादा, ओ जा ओ जा, बने की जान। शुक्र है अम्मा जहारा ठीक है, मेरी तो जान अटकी हुई थी। खैर, अल्लाह पाक ने ख्वाहिश पूरी कर ही दी सलमान, रहमत के साथ एक बेटा भी नवाज दिया। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, बेटे को तो खुशी से ले लिया और बेटी को कह रहे हैं कि किसी को भी दे दें। एक सेकंड अम्मा, मैं आपको कॉल करती हूँ। क्या कह रही हो ये? आप समझाएं इन्हें, बेटे को तो ले लिया और बेटी को कह रहे हैं कि किसी को भी दे दें। आप ये मुझे दे दें। जी जानती हूँ जन्नत, तुम्हें खुदा ने एक बार फिर मेरे पास वापस भेजा है, और तुम देख इस बार तुम्हारी ये बदनसीब माँ तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी। तुम्हें वो कदर देगी जो पहले ना दे सकी थी।
तुम्हें मैं पालूंगी, तुम्हें नाम दूंगी और दुनिया देखेगी, है ना? और आज से तुम्हारा नाम है जन्नत। तुम ही जन्नत हो। देखिए अम्मा, मैं किसको लाई हूँ? रमशा, रमना है। देखो, ये जन्नत है। जन्नत? हाँ, हमारी जन्नत वापस आ गई। देखिए, मैं कहती थी ना, जन्नत वापस जरूर आएगी। पता है अम्मा, आज मैंने इसके कान में मौलवी से अजान भी दिलवाई है। अब तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। रमशा देखो, रमना ये देखो, छोटी बहन आई है। आप उसको संभाले, मैं मिठाई लाती हूँ। प्यार करो, बहन को प्यार करो, प्यार करो। इधर आओ, इधर इधर आओ, देखो इधर आओ। इधर आओ, देखो देखो, जन्नत। अरे बेटा, मेरी गोद में तो दे, मैं भी तो नानी हूँ इसकी। मौसत के, मौसत के, मौसत के, मौसत के। मिठाई। आजा आजा। हाय हाय, बेटा हुआ है सलमान और जहान के यहाँ, ये तू किस खुशी में मिठाइयाँ बांटती फिर रही है? ये जन्नत के पैदा होने की मिठाई है। मैंने सलमान की बेटी का नाम जन्नत रखा है, उसके पैदा होने की वजह। सलमान, इसकी दी हुई कोई चीज मत खाएगा, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती मैं। पता नहीं क्या कुछ मिला के ले आई होगी ये। मैं क्या किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी? मिठाई। सर, सब कुछ बर्बाद हो गया, गोदाम में आग लग गई है। क्या गोदाम में आग लग? अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पर सब बर्बाद हो गया शेख साहब। एक मिनट शरीफा, तुम दोनों माँ बेटी के चक्कर में पड़ के मैं पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, लेकिन अब मजीद नहीं। मैं इस घर को बेचकर अपने पैसे वसूल करूँ। अरे हाँ, याद आया, इस घर के कागजात तो वैसे ही मेरे पास हैं। तो अब तुम दोनों तैयारी करो और ये घर खाली करो। शेख साहब, अब आपकी अपनी जहारा इस तरह गलियों की खाक छानते हुए अच्छी थोड़ी ना लगेगी। बस जान, अब रहने दो। ये तब सोचना चाहिए था जब तुम मुझे प्रेशराइज कर रही थी सलमान की मदद करने के लिए, और अब मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। अल्लाह झूठ ना बुलवाए शेख साहब, नुकसान उठाएं आपके दुश्मन। आप माने या ना माने, लेकिन मेरी जहान ने तो हमेशा आपका फायदा ही चाहा है। हाँ, वो तो सब ठीक है शरीफन, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात अपने अपने पल्लुओं से बांध लो कि इस बार मैं अपने पैसे डूबने नहीं दूँ। नहीं नहीं शेख साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सलमान कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेगा यकीनन। बस कर दे, अब तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। हाय हाय जहान, शेख साहब नाराज कर दिया ना आपने इसे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, यकीन करें सलमान से ज्यादा आपकी फिक्र करती है। ये तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आपका पैसा डूबे, आपका नुकसान हो। शरीफन, अगर वाकई तुम सच कह रही हो तो फिर सलमान को मेरा पैगाम दे देना कि 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस कर दे, वरना ये घर खाली करके जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये घर इस तरह रेजा रेजा होकर बिखर जाएगा।
कितनी यादें वाबस्ता है मेरी इस घर से, मेरी खुशियां मेरे गम इसकी एक एक ईंट में जुड़े हुए। इस घर के आंगन में मेरे बच्चों के खेलने की आवाजें आज तक गूंजती है, और तेरी खुशियों की शनाई भी तो इसी आंगन में बजती है। अब रूबीना, रूबीना अब ये छत हमारे सर पर नहीं रहेगी। दादू, क्या जन्नत वाकई मनहूस है? नहीं, किसने कहा आपसे ये? तो फिर आंटी और बाबा क्यों कहते हैं? पहले भी जब जन्नत हमारे पास आई थी तो बाबा हमसे नफरत करते थे, अब जब हमारे पास दूसरी जन्नत आई है तो हमें घर खाली करना है। नहीं बेटा, इस तरह नहीं कहते, बुरी बात है, बहन है वो आपकी और ये घर हमारा है, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, समझ आई? आइंदा ऐसा कभी भी मत कहना। क्यों झूठी तसल्लियां दे रही हो बच्चे को? एक ना एक दिन उसे सच का पता तो चल जाएगा। क्या लेने आया यार सलमा? बेटियों के सर से बाप का साया तो तूने पहले ही उतार दिया था, और अब इनके सर से छत भी छीनेगा? अब तुझे देने के लिए मेरे पास सिर्फ बद्दुआ ही है। बस कर दो, हर वक्त की नहुसत, हर वक्त का रोना पीटना, तबाह हो गया ये घर इस नहुसत से। खैर, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, अभी तो मैं सिर्फ इससे ये कहने के लिए आया हूं कि मुझे मदद की जरूरत है, जाए जाके इमरान से बात करें। मेरे शर्म तो नहीं आई ना आपको ये बात करते हुए? आपके पैसों के लिए मैं जाकर इमरान भाई से बात करूं। हाँ तो बात करने को ही कहा, कौन सा पहाड़ तोड़ने को बोला है? और वैसे भी उसके साथ गुलछड़े उड़ाते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आई? उसे गाड़ी लेते हुए हया तो नहीं आई? अब हमें शराफत पे लेक्चर दे रही हो? जुबान संभाल कर बात कर, और जहाँ मेरी नेक और शरीफ बहू के लिए एक लफ्ज भी गलत निकाला ना मुंह से तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तो कौन सा गलत बोल रही हूँ मैं? कौन सा ये सब कुछ हमारी वजह से है? इस घर में जो नहुसत है वो इन्हीं मनहूसों की वजह से ही तो है। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बच्चियों के लिए तुमने ये मनहूस लफ्ज इस्तेमाल किया तुम्हारी ये जबान खींच दूंगी मैं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं करूंगी। और आप याद रखें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पैसे आप लें और बात मैं करूं। क्यों? ठीक है, तो फिर मैंने भी सोच लिया, जब तक ये मनहूस जिंदा है ना मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, पहले इन सबको खत्म करता हूँ उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना है। पागल हो गया, हट जा। पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया, हो गया मैं पागल। आज मुझे तुझसे नफरत हो गई, और जिन बेटियों से तू नफरत कर रहा है ना, याद रख तेरी माँ भी एक औरत है। जिस आग में तू जल रहा है ना इन मासूम बच्चियों की, इसी आग में तू सारी उम्र जलेगा। ये जो बेटे की चाहत ने तुझे गुमराह कर दिया, खुदा की करनी देख कि आज तेरे पास बेटा होते हुए भी तू बेटे की कुर्बत को तरस रहा है, इसी तरह जलील ख्वार होता रहेगा। चला जाइए यहां से, और आज के बाद अपना यह मनहूस चेहरा मुझे मत दिखाना। मर गया है तू मेरे लिए। आज तो अम्मा की वजह से तू और तेरी बेटियां बच गई, लेकिन अम्मा भी सारी जिंदगी नहीं बचा सकती। तू तो चाहता ही है कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं। ना ले मां की बद्दुआ से, ये ना हो कि मकाफाते अमर शुरू हो जाए और तुझे माफी मांगने की भी मोहलत ना मिले। दुनिया मकाफाते अमर है, जो बोता है ना इंसान वही काटता है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता था ये सब होगा। मैं तुम लोगों की गुनाहगार हूँ, माफ कर दो बस। ओहो, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? आए बस शेख साहब, आता ही होगा, सलमान आप ही के काम के लिए गया हुआ है, बस पैसों का बंदोबस्त कर ले तो आ जाएगा। और वैसे अगर
वाकई उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया तो? आए आप फिक्र ना करें, नहीं होगा बंदोबस्त। ये जहान कहाँ है, नजर नहीं आ रही। छोड़िए शेख साहब, आपके रवैये से दिल बर्दाश्ता हो के कमरे में बंद कर रखा है उसने खुद को। रो रो के बुरा हाल कर लिया, ना कुछ खाया ना पिया, रोए जा रही है बस। अरे क्या बताऊं शरीफन, अपने पैसे डूबने की खबर सुन के मेरा तो दिमाग ही शल हो गया था, कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया। अच्छा चलिए मैं आपको जैद से मिलवाती हूँ, आपने तो उसे सही से देखा भी नहीं। कौन जैद? हाँ? हाँ, जैद शेख साहेब, सलमान और जहान का बेटा। अरे नहीं नहीं भाई, उसे रहने दो। अरे बड़ा ही मनहूस बच्चा है भाई, वो तो अभी पहली बार उसे गोद में लिया था तो इतनी बुरी खबर सुननी पड़ी थी, अब फिर उसे गोद में लूंगा तो पता नहीं क्या क्या नुकसान बर्दाश्त करने पड़ेंगे। भाई माफ कर दो मुझे। अच्छा चलिए अंदर तो चलिए। लेकिन उस बच्चे से नहीं मिलूंगा मैं। अच्छा चलिए शेख साहेब, ये मोबाइल तो लीजिए, लड़कियों के फोन किस पे सुनेंगे आप? जन्म कुंडली बलवाने ना उस मनहूस की। मैं किसी सूरत में जहां आरा को तलाक नहीं दूंगा। आखिर उस औरत में ऐसा क्या है सलमान जो तुम्हें उसके सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा? बेटा दिया उसने मुझे, जो मुझे अपनी बीवी नहीं दे सकी इतने सालों में। तू इतनी सी बात क्यों नहीं समझता कि ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है यार, जिसे चाहे बेटी की और बेटे की नेमत से नवाजता है। अगर मेरे नसीब में बेटियां ही थी तो जहां आरा से बेटा कैसे हो गया? ये भी तो अल्लाह ही नहीं दिया। ये बात तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बेटा है। थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, तब मेरी असीयत का अंदाजा होगा तुम्हें। अभी भी तुम शायद कुदरत का इशारा नहीं समझ रहे। एक बेटे की चाहत में तुमने अल्लाह ताला को इतना नाराज कर दिया है कि आज पाई पाई का मोहताज हो गया। अगर तुम पहले वाले सलमान होते ना तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन अब सोचना भी मत। और बेहतर होगा कि आज के बाद यहां आकर मेरा वक्त बर्बाद मत कर। शेख साहब प्लीज थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। इतना वक्त भाई? अब तुम्हारे घर के आंगन में नोटों का पेड़ तो है नहीं जो तुम उनके उगने का इंतजार कर रहे हो। इतनी बड़ी रकम है, मुझे तो अब नहीं लगता कि तुम अदा कर पाओगे। तो भैया बेहतर यही है कि तुम ये घर खाली करके चले जाओ। नहीं नहीं साहब, घर खाली ना कराएं हमसे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मुझे खुद को बेचना भी पड़ गया तो बेच दूंगा, मगर आपके सारे पैसे लाके आपको दूंगा। मैं जानता हूँ सलमान कि तुम्हारी बिल्कुल भी नियत नहीं है मेरा पैसा खाने की। देखो अगर छोटी बड़ी रकम होती ना तो मैं वैसे ही जाने देता यार, लेकिन 1.5 करोड़। आज शेख साहब कोई तो सूरत होगी ना लिल्लाह। हाँ एक रास्ता है शरीफन, अगर सलमान मान जाए तो। हाँ हाँ तो बताइए ना क्या क्या रास्ता है। अगर तुम मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो तो मैं सारे पैसे माफ कर दूँ। रमशा इधर आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? कहीं भी लेके जाऊं मेरी मर्जी है, बाप हूं इसका। तुझे आज ख्याल आया कि तू इसका बाप है? इससे पहले कहाँ था? अरे अम्मा कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, हर बात में दखल नहीं देना चाहिए। चलो। नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको मेरे हवाले करो। नहीं, मैं मुंह तोड़ दूंगा। नहीं, नहीं, अरे क्यों लेकर जा रहे थे? मंगनी कर रहा हूँ इसकी। क्या मंगनी कर रहे इसकी? पागल हो गया आपको बेटा? हाँ पागल हो गया हूँ, और पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। आपसे बचने का एक यही रास्ता है, छोड़ इसको। छोड़ मेरी बच्ची को। सलमान, अरे सलमान बस, सलमान इधर आओ। मैं इसको तैयार करके लाती हूँ। अरे नहीं नहीं अब बात सुनो, इसकी जरूरत नहीं अब। आए हाय क्यों जरूरत नहीं है भाई, आए जा जहान तू तैयार करके लाए इसे। हाँ जा चलो।
चलो। सूर्य, अरे सूर्य आंटी। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। मुझे मम्मा के पास जाने। आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। मम्मा के पास जाने। चलो, चलो मुझे, मुझे अपने मम्मा के पास जाने। रमशा, रमशा कहाँ है? रमशा कहाँ है? अरे चुप कर जा बीबी। अरे क्या हो गया? लगता है जैसे सारे जहान का दर्द तेरे अकेली के सीने में समाया हुआ है। आए अगर तेरी बच्ची है तो सलमान की भी तो बच्ची है वो। ये ड्रामेबाजी बंद करो वरना तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जान से मार दूंगा। रमशा कहाँ है? अरे सलमान रहने दे, कैसे हो सकता है कि इसकी बेटी की रस्म हो और ये शामिल ना हो? भाई ये तो सरासर ज्यादती होगी ना। लो लगे हाथों दामाद से मिल लो अपने। अल्लाह झूठ ना बुलवाए पर नेकों में नेक दामाद पाए, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन तो बोल दो भी। अरे सलमान बेटा मिठाई का तो पता कर, और मैं जरा जहान और रमशा को देखूं कहां रहेगी लड़कियां तैयार होने के। ये नहीं कर सकते, इतनी बच्ची है वो, खुदा का खौफ खाया। मैंने कहा था ना शेख ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोटी बच्ची है वो, रहम खाए उस पर। मैं अभी कौन सा उससे निकाह कर रहा हूँ, वो तो रमशा के बालिग होने के बाद ही होगा। अभी तो सिर्फ एक रस्म बनानी चाहिए। अगर आप हाँ कर दें तो मैं आपकी बेटी को बख्श देता हूं। आप हम पे रहम करें, हम आपकी बेटी पे रहम करेंगे। अगर आप शादी के लिए हाँ कर दें तो मैं रमशा को बख्श दूं और बोनस में ये घर आपके नाम। जल्दी सोचिए, टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम खाला। ये क्या कह रही खाला आप? सलमान ऐसा कैसे कर सकता है? अरे वो फरून बन गया है, मेरी रमशा को बचा लो, वो उस पे ज़ुल्म कर रहा है। बचा लो मेरी रमशा को। खाला फिक्र मत करिए, मैं अभी आ रहा हूँ। चल अरे नहीं जान, क्या कर अच्छा खासा मौसम खराब कर दिया। चल चल ये तो क्या हुआ रुबीना भाभी? आप परेशानी हो, इमरान अभी पुलिस से क्या रहा? दरवाजा खोलो। ये लो भाई सलमान। शेर साहब आप सच कुछ फरिश्ता है, बहुत शुक्रिया। अरे क्यों मुझ गुनाहगार को मजीद गुनाहगार कर, जब तुमने अपनी जबान का पास रखा है तो मैं अपना वादा कैसे भूल जाता। सलमान बेटा, अल्लाह
मैं संभाल के रख देती हूँ। जहां रहा बेटा वो चाबियां तो दे मुझे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मिलकर इस मासूम बच्ची का इस बूढ़े से रिश्ता तय कर रहे थे। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, ये ऐसे ही गलत कह रहे हैं। शेख साहब सही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कौन हो? मैं इस बच्ची का बाप। खबरदार, जो खुद को इनका बाप कहा तो मरगा इनका बाप। यतीम है मेरे बच्चे, जिना तुमने मरगा तुम लोगों को। इधर आए आप, यहाँ ये कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। क्या कर रहे थे ये लोग आपके साथ? डरो मत, आप बताओ बेटा। ये लोग मुझे इनके ये वाले अंकल के पास बिठा रहे थे और मुझे मार भी रहे थे। जान आंटी भी मुझे मार रही थी और ये लोग मेरी तौबा तौबा तौबा। भाई बड़े चालाक लोग हैं ये इंस्पेक्टर साहब, और ऊपर से लालची भी। देखा बच्ची को भी कैसे ट्रेन कर रखा है इन्होंने। ये सब वहां थाने जाके पता चलेगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए, लेकिन इन लोगों को सख्ती से वार्न कर दीजिए कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत हुई तो अच्छा नहीं होगा। नहीं इमरान, सलमान भाई जैसे बेगैरत लोगों को तो सरेआम कोड़े मार कर ना फांसी दे देनी चाहिए, ताकि आइंदा हमारे माशरे में सलमान जैसे लोग बाप बनने से पहले हजार मरतबा सोचे। तबस्सुम, तुम रमशा और भाभी को लेकर नीचे काला के पास जाओ, मैं भी आता हूँ। अभी आप चलिए यहाँ से जाइए। तुम बाप हो बेटी के, शर्म और एहसास है तुम्हारे अंदर या सब मर गया? पैसों के लिए कुछ भी करते रहोगे? कोई गैरत नाम की भी चीज होती है? अच्छे भले मर दो, मेहनत करो, खुद कमाओ। आइंदा अगर मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की शिकायत मौसूल हुई तो मैं इनके कहने पर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, समझे? चलो। बहुत सोच समझ के फैसला करना सलमान, ये ऐसी माया नगरी है जो अगर रास आ जाए तो रातों रात आसमान पर बैठा देती है, और अगर रास ना आए तो जमीन पे लाकर ऐसे पटकती है कि वो सारी जिंदगी भी कोशिश करे ना तो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। आए तंगदस्ती से तो मुझे याद आया, हमारा बाबरची खाना तो खाली पड़ा, राशन वाशन सब खत्म हो गया बेटा। इतना जल्दी हो सके मेरे पैसे वापस कर दे, जल्दी, टाइम नहीं है। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, बस तू इतना बता मुझे करना क्या। बहुत आसान है, क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाना, कौन सी टीम जीतेगी और कौन हारेगा इसकी खबर 90% पक्की होती है, लेकिन 10% गलत भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन खाली हाथ कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए भी 5-8 लाख हाथ में होने चाहिए। 8 लाख? कहाँ गई मेरी? मैं तो यहीं पार्क की थी। अम्मी, अम्मी मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे क्या हुआ? अम्मा मेरी गाड़ी नहीं है बाहर। अरे बेटा कहाँ जा सकती है, यहीं होगी, देखो जाके। नहीं है, मैं रात ही तो पार्क की थी, मैंने कहाँ गई? तुमने चौकीदार से पूछा?
चौकीदार से जाओ, जाओ पूछो चौकीदार से। सलमान साहब, ये 8 लाख का चेक है, इतनी जल्दी में तो इतने ही पैसे मिल पाए, अगर थोड़ा टाइम रुक जाते तो आपको अच्छे पैसे मिल जाते। नहीं यार, इतने ही काफी है, वक्त की तो कमी है मेरे पास। चलो तुम ये रखो, ठीक है, थैंक यू। की टाइट ऐसे जान छुट्टी है तो बुढ़िया की खांसी ने नाक में दम कर दी है। आए कमबख्त लगता है जैसे मरना भूल गई, ना जाने कब मरेगी, दिल को सुकून मिलेगा। किसको कोस रही है अम्मा? आए किसको कोसना है, एक ही तो बुढ़िया है जिसने पहले मेरी जवानी बर्बाद की, अब मेरे बुढ़ापे के पीछे पड़ गया हाथ धो के। आए छोड़ बुढ़िया, कबूतर ने पैसे भेजे कि नहीं भेजे? अम्मा हाँ, तेरी जहां अरा दाना डाले और कबूतर ना फंसे, ये तो देख। हाय सदके जाओ, हाय कुर्बान हो जाओ जहान, चल जल्दी ऑर्डर कर पिज्जा। अभी? हाँ ना अभी के अभी करती हूँ। भाई वो मुझे दूध का एक डब्बा चाहिए। कौन सा भाजी, किस कंपनी का चाहिए? मेरे पास पैसे नहीं है। भाजी उधार तो नहीं दे सकते, पहले ही आप पे इतना उधार है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझ पर पहले ही बहुत उधार है, लेकिन मैं कल परसों तक सारे उधार दे दूंगी, मुझे सिर्फ एक डब्बा दे दो। यकीन नहीं आ रहा, मेरे घर चल कर देखो, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। भाजी मैं दुकान छोड़ के तो नहीं जा सकता आपके घर, लेकिन मेरा यकीन तो कर ही सकते हो, एक डब्बा दे दो। भाजी हमें भी आगे जवाब देना होता है, सॉरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अभी अम्मी आती है, अम्मी अभी दूध लेकर आती है, बस चुप कर जा, चुप कर जा। क्या हुआ बेटा, दूध नहीं मिला? इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता अम्मी, क्या करें, इसका तो रो रो के बुरा हाल हो रहा है भूख से। मैं इमरान से बात करूं, कितनी बार फोन करेंगे उन्हें, उनके पहले हम पर बहुत एहसान आता है। जहां वो जन्नत का भूख से रो रो कर बुरा हाल है, तो क्या करूं मैं, गला दबाकर उसकी तकलीफ कम कर दूं? माँ हो तुम उसकी, थोड़ी देर के लिए ले लो, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, मैं ले जाऊंगी उस मनहूस को ना, तो मेरा बस चले जहर पिलाकर उसका किस्सा ही खत्म कर दूं, हमेशा हमेशा के लिए। माँ उसकी, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भूख से उसका बहुत बुरा हाल है, मर जाएगी वो। वो भी तुम्हारी बेटी है, बिल्कुल उस बेटे की तरह तुम्हारे ही बदन से पैदा हुई है। बकवास बंद करो अपनी, बार बार मुझे ये याद दिलाकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नफरत पैदा मत करो, चले जाओ यहाँ से। इस कदर नफरत सिर्फ इसलिए कि बेटी है वो तुम्हारी? अरे मैं नहीं फीड कराना, मत करो, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं बाहर से दूध का डब्बा लाकर उसे फीड करा देती हूँ। उस मनहूस के लिए ना तो 2 कौड़ी ना दूं मैं, फिर फर्ज अगर मैं तुम्हें उधार दे भी दूं तो तुम वापस कैसे करोगी? मैं कल कैब चला के तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। कैब तो तुम तब चलाओगे ना जब तुम्हारी गाड़ी वापस आएगी। आएगी मतलब क्या, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि सलमान ने तुम्हारी गाड़ी बेच दी है। झूठ, झूठ, बकवास कर रही हो ना तुम, झूठ है ये। अरे बस कर दे। अरे कमबख्तो, तुम दोनों ने हमारी जिंदगी जीरन करने का ठेका ले लिया, एक वो सास है वो खांस खांस के दिमाग खराब करती है, और तू चीख चीख के मेरा खाना खराब कर रही है। आए, गाड़ी बेच रही है उसने, कौन सी कहामत आओगी?
ससुराल से कहना लाइन लगा देगा गाड़ियों की। काला बस, इसे आगे एक लफ्ज़ ना बोलना। बस कर दे, तुझे खेल खेलनी है ना, इन खेलों में जवानी में बड़े मेडल ट्रॉफियां नहीं है मैंने। चलो लिख लो शाबाश। क्या ये मनहूसियत फैलाने आ जाती है? चुप कर, तू सारा ना अकेले ही खा ले। अरे इतना सा मंगाया तूने? हाय प्लीज मुझे एक डब्बा दे दो, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। बाजी मैं आपको नहीं दे सकता, मैं आपको किस तरह समझाऊं? क्या हुआ, क्यों परेशान है? आप सब खैरियत है? मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इनसे कह रही हूँ मुझे एक डब्बा दे दे, मुझे नहीं दे रहा। ये जो मांग रही है इन्हें दे दे, मैं पैसे दे दूंगी। फारूक एक ये दूध का डब्बा ले आया यार। हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा एक दिन में इतना मुनाफा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, मुझे पहले पता होता तो मैं सलमान को सारे काम छुड़वा के इसी काम पे लगा देती। शेख साहब ये 10 लाख रुपए, मैं एक एक करके आपकी सारी रकम इसी तरह लौटा दूं। क्या बात कर रहे सलमान, शेख ने जिंदगी भर तुम जैसा दयानदार आदमी नहीं देखा। अभी ये रकम तुम अपने पास रखो, इतनी जल्दी भी क्या है भाई, और तुम कहां भागे जा रहे हो, मुझे यकीन है तुम पर। रखो रखो। चले फिर मैं इसको छुपा देती हूँ ना, इससे पहले उस मनहूस की नहुसत के असर से ये भी खत्म हो जाए। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है जहां, तू इसे संभाल के रखे और बानो आपा की तो नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक कह रही है अम्मा। अम्मा बस लाए दे 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 दे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। सलमान तू जुआरी बन गया? खबरदार खाला, जो आपने सलमान को जुआरी बोला तो। अरे बानो आपा अल्लाह झूठ ना बुलवाए, पर अपना हंसता खेलता बेटा तुझसे देखा नहीं जाता, अरे रंग में भंग डालने आ जाती है। ठीक कह रही है तुम तो। ये जुआरी और चोर का लफ्ज तो इसके लिए बहुत छोटा है। ये तो वो शख्स है जो अपनी बेटी के मुंह से निवाले छीन ले। बाप के होते हो ये बच्चियां यतीमों और मस्कीनों की जिंदगी गुजार रही हैं। अरे अम्मा बस कर दो, बस जाओ यहाँ से। तुझे आज मेरी बातें बुरी लग रही है ना, लेकिन एक दिन तुझे एहसास होगा, लेकिन पछतावे के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आज तुझे एक माँ बद्दुआ देती है। जिस तरह तूने हमें और बच्चियों को निवाले निवाले के लिए तरसाया है ना, इसी तरह एक दिन तू तरसेगा दाने दाने के लिए। जो सलूक तूने हमारे साथ किया है ना, यही सलूक तेरा बेटा तेरे साथ करेगा। हाय तौबा तौबा, इस दुनिया की कौन सी माँ है जो अपने इकलौते बेटे को यूं बद्दुआएं देती होगी आपा? तो दुनिया का कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी माँ का दिल इस तरह पैरों तले रौंदता है? अम्मा अगर इतनी बदजन हो गई ना मुझसे तो मर गया मैं तुम्हारे लिए, जाओ यहाँ से। हाय हाय बानो आपा बस बहुत हो गई, अब तो कुछ शर्म कर, बेटे ने अपने मुंह से कह दिया मर गया तेरे लिए। अरे तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, अब और क्या सुनना चाहती है तू? चल चल बानो आपा, तुझे कमरे में छोड़ के आऊ मैं, चल चल चल, भूल जा अपने बेटे को, तुम लोग खेलो भाई चलो। अरे मियां सलमान जाने दो, कोई बात बड़ी है बस हो जाता है। क्या हो गया है? क्या हो गया बानो आपा? क्या हुआ शरीफा? मैंने तो खाली जाने का बोला था, क्या हो गया मेरी आपा को? क्या हुआ हटो जरा,
हटो, देखने दो। अरे मेरी बानो आपा। ये तो मर गई। सलमान, तेरी माँ मर गई। नहीं, मेरी मानो आपा, अरे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मेरी मानो आपा नहीं जा सकती। क्यों नहीं उठा रहे जनाजा? जब वक्त हो गया है तो जनाजा उठाओ, आखिर आए क्यों? सलमान होश कर, ये सब लोग यहाँ जनाजे में शरीक होने के लिए आए। तो यही तो कह रहा हूँ, जनाजे में शरीक होना कहते किसको है? जनाजे को उठाने को ही तो कहते हैं, उठा क्यों नहीं रहे जनाजा? कैसे बेशरम आदमी है, माँ के जनाजे को कांधा देने के बजाय और उल्टा हमें बातें सुना रहे। हो गया, चलो आओ इधर, आओ जनाजा, चलो अम्मा के कंगन दो मुझे। अम्मा के कंगन दो। तोहफे तुम पर सलमान, तोहफे तुम पर। माँ को अभी दफना कराया है, गुनाहों की माफी मांगने के बजाय कंगन मांगने आए हो। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, जो कह रहा हूँ वो करो। जाओ मुझे कंगन दो दोनों, चलो। सलमान ये मुनासिब वक्त नहीं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। मैं जानता हूँ क्या मुनासिब और क्या नहीं। चलो खड़ी हो। नहीं हो सकती है इसकी माँ, इतने बुरे इंसान की माँ नहीं हो सकती है। दो कोड़ी के कंगन चाहिए तुम्हें। इधर दा। ये लो, दबाओ जो यहाँ से, दबाओ जो यहाँ से। बकवास करते, तुम तो इस लायक भी नहीं थे कि जनाजे को कंधा देते। अगर हमारे मजहब एक और जनाजे को कांधा देती तो मैं देती, मैं और मेरी बेटियां बहुत थी। बहुत फखर है ना तुझे अपनी बेटियों पे, है ना? बहुत गुरूर है ना? तेरा ये गुरूर मिट्टी में ना मिलाया ना, तो मेरा नाम भी सलमान नहीं। मैं समझती थी कि तुम गलत हो, लेकिन आज पता चला तुम तो घटिया हो। हाय अम्मा, ये दूसरा कंगन भी मुझे ही दे दे। तेरी उम्र की तो सारी कब्रों में जा पहुंची है और तू है कि तुझे बचपना सूझ रहा है। आई कमबख्त, क्या बकवास कर रही है, हैं? आई क्या बताऊं तुझे जहान, आज मैं कितनी खुश हूं। आई मेरी खुशी का तो ठिकाना ना पूछ तू। वैसे जहान, एक बात समझ में आई आज मुझे कि ये दुनिया जलील और कमीने लोगों की है। आई बानो आपा जैसे लोग तो अपनी ऐसी की तैसी फिराने आते हैं यहाँ। हाय अम्मा, इतना खुश तो मुमताज अपना महल देखकर भी नहीं हुई थी जितने तुम ये दो कंगन देकर खुश हो रही हो। आए मेरी भोली बेटी, बात कंगन की नहीं है, आए बात तो उस जीत की है जो मैंने बानो आपा से पाई, पर तू नहीं समझी। और खुशी तो इस बात की है कि अब इस घर में मेरा राज होगा। आए मैं बड़ी हूँ, आए जो मैं कहूंगी वो होगा। आए कोई बानो आपा टांग अड़ाने नहीं आएगी बीच में, और ना ही मुझे बानो आपा तुम हिलाते कहना पड़ेगा। हाँ अम्मा, और सलमान के दिल में भी ना अब सिर्फ और सिर्फ जहारा का राज होगा। आए जहारा, जो ख्वाब हमने देखा था उसकी ताबीर तो सामने खड़ी आंखों के। आए इतनी खुशी तो मुझे तेरे पैदा होने पे ना हुई। आए बस कर दे अम्मा, इतना भी खुश ना हो, ये ना हो कि तुझे खुशी हजम ना और तू भी अपनी बानो आपा की तरह कहीं ऊपर ही ना निकल ले। आए शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल, अभी तो तेरे लौंडे के लिए अपने जैसी बहू लानी है मैंने। हाय नहीं अम्मा नहीं, बहू तो मैं रुबीना जैसी लाऊंगी ताकि उसे आसानी से दबाया जा सके। अब अगर हमारी जैसी बहू आ गई ना अम्मा, तो हमारा भी वही हाल होगा जो बानो खाला और रुबीना का हुआ है। आए बात तो तूने 16 आने सही कही है, अगर तेरे मेरे जैसी बहू आ गई ना तो सबसे पहले तेरा और मेरा पत्ता कट करेगी। आई नजर हटा कंगनों से,
आग लगाएगी क्या? चल जा, आज तो दूध पत्ती पिला वो हैदराबाद वाली, चल जा, चल चल हैदराबाद वाली चाय पिला जा। एकदम खटमंदा निकल आए इसमें से कोई। सलमान हार गए हम, तेरी लालच और हिस्स ने कहीं का नहीं छोड़ा, तुझे नहीं पता अब क्या होगा, कहां से भरेंगे इसके इतने सारे पैसे? करें क्या ये बता, करें क्या? इससे पहले कि वो सर पे आ बैठे और अपने पैसे का तकाजा करे, यहां से निकलने की कर, उठ। सर चल। मुझे पता था कि तुम लोग निकल जाओगे, इसलिए मैं टाइम से पहले ही आ गया। तुम क्या समझते थे इतना आसानी से निकल जाओगे? तुम अपने बाप का माल समझा हुआ है? चीकू भाई मैं तो सिर्फ बैठा हुआ था, सट्टा तो ये खेल रहा था। आप चाहो तो बुक्की से फोन करके पूछ सकते हो सट्टा किसके नाम पे लगा है। नहीं 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 चीकू भाई, ये झूठ बोल रहा है। हम दोनों मिलके खेल रहे थे। हाँ बुक्की से मैंने ही बात की थी, मैंने ही बुक किया था, लेकिन इसने फोन मेरे हाथ में दे दिया था। तू चुप कर, तेरे से पूछा मैंने, जब पूछूंगा तब मुंह खोलना। हाँ भाई सट्टा किसके नाम पे था? ठीक, बुकिंग तो तेरे नाम पर ही, तो वसूली भी तुझे ही देनी पड़ेगी। लेकिन छोटू भाई इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो 8 लाख रुपए हैं बस। अबे साले जब 8 लाख रुपए थे तो 50 लाख की बेटिंग काहे के लिए लगाई? भाई मैं बता तो रहा हूँ हम दोनों ने मिलके लगाई थी, मैं अकेला नहीं हूँ उसमें। पागल हो गया क्या? छोटू भाई आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि मैं कभी भी 2 लाख के ऊपर बैटिंग खेलता ही नहीं हूँ। मैंने इसको समझाया था, इसको ही शौक था 50 लाख की बैटिंग खेलने का। ओ तो चुप कर, तलाशी ले इसकी। मेरे पास कुछ नहीं है चिकू भाई, आप यकीन जाने अभी 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 कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। कौन है ये लड़की? ये इसकी बेटी है। ओ अब तू मुझे सिर्फ इतना बता, अपनी बेटी देगा या अपनी जान? प्लीज आप खुद को संभालिए, इंशाल्लाह मिल जाएगी रमशा भाभी, परेशान मत होइए। रमशा मिल गई? हम अभी आ रहे हैं। रमशा भाई मैं सब बच्चों को संभालो, हम रमशा को लेकर आते हैं। भाई मैं चलो 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 इमरान भाई, मैं अभी आती हूँ उसको लेकर। सर ये कहाँ से मिले आपको? ये बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि इस बच्ची के अगवा के पीछे इसके अपने सगे बाप का हाथ है। सलमान बुला के ले गया सलमान को। कैसा इंसान है, तुझे इतनी भी गैरत नहीं है कि तू अपनी बेटी को? ठीक, मुझे घिन आ रही है तुझसे। छोड़ दे इमरान भाई, इनको इसके हाल पे छोड़ दे। ये फैसला मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है,
वो इसको इस तरह मारेगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। पहले इनको अपनी माँ की बद्दुआ थी, अब इसको इस माँ की भी बद्दुआ लगेगी। सारी जिंदगी तड़पेगा ये, बर्बाद हो जाएगा ये, बर्बाद हो जाएगा। किस तरह के बाप हो तुम, अपने आप को बचाने के लिए अपनी ही बेटी को अगवा करा। वो तो शुक्र करो बर वक्त रेट डालकर हमने बच्ची बरामद कर ली, नहीं तो आपकी बेटी किसी सिंगल पे भीख मांग रही होती। इंस्पेक्टर साहब, इस इंसान को छोड़िएगा नहीं, सारी जिंदगी यही सड़ सड़ के मरता रहेगा। आइए भाभी चलिए चलिए। खाना अच्छा लगा आप लोगों को? खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत लज्जत है आपके हाथ में। थैंक यू। बहुत खुशकिस्मत है आप, अल्लाह ने आपको तीन तीन बेटियों से नवाजा, पर हम बदनसीब हैं, हमें अल्लाह ने औलाद की खुशी से महरूम रखा है। ऐसे मायूस नहीं होते, मायूसी कुफर है। और मैं तो आपकी मेहनत और लगन का कायल हो गया। आपने बिल्कुल सही वक्त पर कॉल की, हमारा खानसामा काम छोड़कर चला गया था, हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि आपकी कॉल आ गई। वैसे आजकल आप रह कहाँ रही हैं? कुछ नहीं पता कहाँ रहूंगी मैं। देखें, हमने अपने खानसामा को रहने के लिए जगह दी हुई थी, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आप वहां रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो किस्मत अच्छी है तेरी, जो सबूत ना मिलने की वजह से जल्दी छूट रहा है, नहीं तो यहाँ लोगों की जिंदगियां बर्बाद और खत्म हो जाती हैं। अब जाओ और बाहर जाके कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना, नहीं तो दोबारा तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। नहीं सर, अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। देखने में पढ़े लिखे इंसान लगते हो, किन चक्करों में पड़ गए तुम? और याद रखो, बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। अब जाओ और जिंदगी का नया सफर शुरू करो। ले जाओ इसको। जी सर। नेकलेस, वो भी गोल्ड का। वैसे जहान, डिजर्व तो तुम डायमंड करती हो, और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए डायमंड ही लेकर आऊंगा। अच्छा, तो अब आप हमारी मोहब्बत को इन चीजों से तोलेंगे? अच्छा बाबा, नाराज नहीं, चलो पहनो तो सही। आप अपने हाथों से पहना दें। चलो। क्या हो रहा है सलमान? आप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी अपनी आंखों पर नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर में खड़े हो गए, मेरी बीवी के सामने मुझे से पूछ रहे हो कि मैं कौन? बड़ी हिम्मत है। बीवी? तुमने तो कहा था तुम्हारी शादी नहीं हुई। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी ना, प्लीज तुम जाओ यहाँ से अभी। तुमने जिन मेहमानों के लिए आज खाना बनाया था ना, वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बना इतना पसंद आया कि वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और तुम्हें वहां पे हेड शेफ बनाना चाहते हैं। और वो भी 50-50 की पार्टनरशिप पर। आधा सरमा उनका होगा और आधा हमारा, और जो मेरे हिस्से का मुनाफा होगा वो रमशा बेटी के लिए तोहफा है।
मैंने कहा था ना हमारे अच्छे दिन आएंगे, देखो आ गए। अरे यार मुझे क्या पता था कि सलमान 3 साल बाद फिर से मेरी जिंदगी में अजाब बनकर आ जाएगा। लेकिन तुम ना फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्दी इससे तलाक लेके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। किससे बात कर रही है? तलाक लोगी? नहीं सलमान, मैं तो झूठे बहलावे दे रही हूँ। मैं ये सब नहीं करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो मैं हूं ना, कर लूंगा कुछ ना कुछ। क्या जरूरत है ये सब करने की? सलमान ये सब मैं शौक से तो नहीं करती ना, अब एकदम से अचानक सब कैसे खत्म हो सकता है? सब मेरी जान को आ जाएंगे, सबने घर भी देखा हुआ है हमारा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बेटा बड़ा हो रहा है तुम्हारा, ये सब देखेगा क्या असर पड़ेगा उस पे? सलमान ये सब कुछ तो आपको तब सोचना चाहिए था ना जब आप जेल गए थे, जब आप जुआरी बने थे, तब क्यों नहीं सोचा ये सब आपने? तब कहां गई थी आपकी गैरत? अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती ना तो हमारा बेटा भूखा मर जाता। बस बंद करो अपनी। और कुछ भी ना मैं चाहूं, दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ। तुमसे न जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं, मुझे जी लेने दे संग अपने तुम साथिया। जाओ तू दिल से दूर ना तू, हो ना बेवफा मुझे, अखियां हैं नम हर कदम क्यों सजा है मुझे। कहां से आ रहे हो? ये कोई वक्त है घर आने का? इधर आओ, बात कर रहा हूं मैं, जवाब दो बात का। मैं अभी अभी बाजी हार के आया हूं, उल्टे सीधे सवाल करके दिमाग खराब मत कर मेरा। क्या मतलब है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? तो क्या करूं, फूल निछावर करके बात करूं? मैं बोल रहा हूं अंदर चला जा, आराम कर ले, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। इधर आओ, इधर आओ। तुम क्या हो गया? मैं बता दूं तुम्हें, तू खुद भी तो जुआरी था, मुझे क्या बोल रहा है? इसी ने तो अपनी बेटी को हार गया था। तुझे अगर इस घर में रहना है ना तो मुंह बंद करके रहना होगा। तुम मुझे बताओगे कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है? निकलो, तुम दोनों बाप बेटा निकलो मेरे घर से, निकलो, निकलो मेरे घर से। हम निकले? हाँ। तुम निकलो यहाँ से, ये घर तुम्हारा था लेकिन ये घर मैंने जैद के नाम पे कर दिया है। निकलो, चलो चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो 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 घर है, निकलो, मेरा घर है ये। अरे निकलो यार, कम खुदाया हम ये बता दे मुझे, रखिया है ना हर कदम क्यों सजा है मुझे। प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कन रोए सब दिल के अंदर। होंगे कम खुदाया
ये बता दे मुझे अखियां है न हर कदम क्यों सजा है मुझे क्यों सजा अरे हटो यार क्या करोगी इतने पैसे का कब्र में लेके जाओगी क्या और जिस तरीके की लगती हो ना अब मुझे नहीं लगता कि किसी का भला किया हो अरे नवासा हूं तुम्हारा मेरा ही भला कर दो घर के पेपर है ना है ना बड़ा पैसा है भाई बड़ा पैसा है लेकिन दिखाना नहीं है वैसे मेरी लॉटरी लग गई आज आज आपकी रमशा एग्जाम देने जा रही है दादू मैं आपसे दुआएं लेने आई हूँ दुआ कीजिएगा मेरे लिए मैं कामयाब रहूँ मम्मा चले देर हो रही है बेटा आप जाओ ड्राइवर से कहना मुझे यहाँ से पिक करे मेरी दुआ तुम्हारे साथ है खैर से जाओ मैं जानती हूं कि आप ही हैं सलमान आखिर मां की याद आ ही गई आपको लेकिन अफसोस बहुत देर कर दी आपने बहुत देर कर दी आपने जाओ मैं कहां छुपाऊं दर्द की किताब पूरा हो गया अधूरा चैन करार मेरा वो प्यार होंगे कम खुदाया हम ये बता दे मुझे अखियां है ना हर कदम क्यों सजा है मुझे सारे क्यों बदले सब मंजर धड़कन रोए सब दिल के
ड्रामा बहुत जीवी था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझमें हिम्मत नहीं है अम्मा। अगर अस्पताल में मरेगी तो आसान मौत मरेगी, उसे तो सिसक सिसक के मरना होगा। जहां आरा पर हाथ उठाया था और अपनी मां के अंदर जलती आग का बदला भी तो लेना है मैंने। कसम से जहां, खुश नसीबी है मेरी, आज सलमान जैसा बेटा होने से तो अच्छा है, मेरी तो जैसी बेटी है। जीती रहे, खुश रहे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। जी मम्मा बोले। पहले वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगी। ऐसी क्या बात है मम्मा, जो आप कह रही हैं मैं नाराज हो जाऊंगी? आपने अच्छा नहीं किया मम्मा, क्यों घुसने दिया इन्हें? निकाले नहीं यहाँ से, मुझे इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। मैं बस मिलना चाहता था। क्यों, अब क्या देखने आए आप यहाँ पर, कि हम भूखे मरे या नहीं? हमें यूं जिंदा देखकर आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। देख लिया आप, जाएं यहाँ से, और आइंदा अगर मेरे घर के आस पास भी दिखे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। माफी मांगने के लिए। रिप्शा बेटा, इनको अपने केस पर बहुत पछतावा है। इनके पछताने से क्या होगा मम्मा, क्या होगा? मेरा बचपन लौट आएगा, आपकी जवानी, दादो, क्या दादो वापस आ सकती हैं, जो सिर्फ इनकी बेरुखी की वजह से हमें छोड़कर चली गई? नहीं मम्मा नहीं, इनके खुद गर्जी ने सब कुछ खत्म कर दिया। और अब ये क्यों वापस आए हैं जब सब कुछ खत्म हो गया? आप इन्हें माफ कर सकती हैं? तो माफी मांग रहे ना बेटा। अगर आपने इन्हें माफ किया ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने आपका और अपना मामला ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए लाई थी कि सिर्फ ये देखना चाहती थी कि आपकी बेटी क्या सोचती है और क्या चाहती है। और ये जवाब आपको मिल गया होगा, इसने जो कुछ कहा है ये बचपन से इसके जहन पर नक्श है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दो बेटियां आपको देखें, इसलिए बराए मेहरबानी यहां से चले जाए। यही सजा है कि अल्लाह की तीवी रहमत को मैंने जिंदा दरगोह कर दिया। उसने भी अपने रहमत के दरवाजे बंद कर लिए मुझे।
यही सजा है मेरी, यही होना चाहिए था मेरे साथ, यही होना चाहिए था। कर दिया ना अपने बाप को। हाँ, पहले मैं भी अपना गुस्सा उतारना चाहती थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा बेटी तो बेटी ही होती है, हर हाल में बाप के काम आती है, उसका सहारा बनती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन वो इनका अमल है। मुझे तो बेटी का फर्ज निभाना है ना। आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसे ये नहीं जा सकती, इसको उठा के फेंको, इसकी किताबें और उसका बैग। हराम के पैसे नहीं कमाता हूं जो फीसों में तबाह करता रहूं अपने पैसे। जिम्मेदारी है ये आपकी। हाँ, सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है सारी के सारी। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ। जो औरत मुझे बेटा नहीं दे सकती ना, उसको मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए। बेटा इसको घर, कोई जरूरत नहीं है पढ़ाने की। और अगर हो सके तो तहजीब सिखा दो, तमीज सिखा दो। अपने बच्चों का और बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता है तो दफा हो जा, अभी दफा हो जा और उससे कह के वो ही पाले तुझे। सलमानी क्या कर रहा है? क्या ये तेरी बच्चियां नहीं है? पता नहीं अम्मा, यही जानती होगी इनका बाप कौन है, इस घर में कौन कौन आता है और कब आता है, मुझे क्या पता। क्या कह रहे सलमान, तो 10 लाइक भी नहीं थे कि जनाजे को कांधा देते।
अगर हमारे मजहब एक औरत जनाजे को कांधा देती तो मैं देती, मैं और मेरी बेटियां बहुत थी। बहुत फखर है ना तुझे अपनी बेटियों पे, है ना? बहुत गुरूर है ना? तेरा ये गुरूर मट्टी में ना मिलाया ना तो मेरा नाम भी सलमान है। बेटी तो बेटी ही होती है, हर हाल में बाप के काम आती है, उसका सहारा बनती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। जो उन्होंने किया वो बहुत बड़ा जुर्म था, लेकिन वो इनका अमल है। मुझे तो बेटी का फर्ज निभाना है। बाबा चले गए शायद। जमाने की ठोकरों ने शायद इतना शर्मिंदा नहीं किया उनको जितना आज एक बेटी की मोहब्बत ने शर्मिंदा किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे कॉलोनी में कचरे के ढेर के करीब एक आदमी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले की शिनाख्त सलमान के नाम से हुई है। अदालत मुल्ज़िमा जहां आरा को अपनी मां शरीफन बीबी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाती है।